अपने तमाम सुनने वालों को एफएम रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन से शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मुंतजर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम की, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको पता है कि आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें बहुत सारे ड्रामों में आपने देखा होगा और अक्सर बेशतर आप देखते रहते होंगे, कभी किसी ड्रामे में, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, किसी न किसी रूप में वो आपके साथ उनका रिश्ता वो हमेशा जुड़ा रहा है और किसी न किसी तरह वो आपसे रबते में रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है किसी फनकार के लिए। तो उसी फनकार को हमने सोचा कि क्यों ना आज अपने रेडियो शो में बुलाकर उस और रिश्ते को मजबूत बनाया जाए। थोड़ी सी जब आप उनकी उनसे बात नहीं हो सकती, आप उनसे रब्ता नहीं कर सकते, आप उनसे उनके बारे में जान नहीं सकते, तो आज आप हमारे शो में उनके बारे में उनसे खुद बात करके अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए आपको आना होगा एफएम रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर और लाइव कॉल के लिए 111111100 आपको डायल करना होगा, या अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक पर आप यकीनन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/ajmalshobiofficial। जी हाँ, मेरे पेज पर आप आएंगे, आप मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, और या फिर अजमल शोबी, अजमल खान शोबी, बिल्कुल आप मेरी आईडी पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ज है कि फेसबुक पर आप मेरा नाम लिखेंगे तो आप हमारे इस प्रोग्राम की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और हमें सुन सकते हैं। तो जनाब, मैं अब मैं एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद और साथ साथ अपने मेहमान को खुशामदीद और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं हीरा शेख साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? माइक उधर है, मैं इधर अच्छा, माइक नहीं हूं। अच्छा, एक्चुअली हम लोगों को आदत हो रही है ना कि उसको देखते देखते बात करनी है, क्या कहते हैं डायलॉग्स में तो यही होता है, बिल्कुल अब वो देखते हुए बात करनी है और आप बिल्कुल अब देख के मुझे बात कर सकते हैं, माइक के मुंह मेरी आवाज इतनी है कि वो चली जाएगी। असल में आपको पता है माइक बड़ा गुस्से वाला होता है, अरे बिल्कुल जब गुस्सा आ गया या कैमरा या माइक, अरे बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। एक तो आप डीओपी से नहीं लड़ सकते, हाँ तो इस मामले में जो है ना ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस टाइम माइक से नहीं लड़ सकती, माइक से नहीं लड़ सकती और माइक इतना खतरनाक तरीके से मेरे सामने है कि बस मतलब आवाज तो चली जाएगी इतना मैं जानती हूं। आवाज तो मुझे भी आ रही है, ये आप ये हेडफोन हमने दी किस लिए दी, आप क्यों सुन रही हैं आप इससे? अरे ये क्या बात की आपने, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था। देखो बात हो गई, अब आ रही है अपनी आवाज खुद? हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्यों नहीं आएगी आपकी आप देखिए आपको आ रही होगी बस। आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी भी मैं बोलूंगा मेरी आ रही है, मैं बोलूंगा मेरी आवाज आएगी, अब मेरी भी आ रही है। जी जी बिल्कुल, तो जनाब बिल्कुल ये है हीरा शेख हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और हीरा शेख जो है वो टीवी स्टार भी है और अब तो माशाल्लाह से फिल्म स्टार भी है। बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं और मैं हकीकत एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी अपने सुनने वालों से और अपने देखने वालों देखने से कि हम जो है ना हम फनकार हैं, ठीक है, और फनकार जब तक कारगर साबित नहीं होता जब तक उसका फन जाहिर ना हो, ठीक है, तो फन को देखते हैं और पजीराई देते हैं आप, तो हम हैं फनकार और हम हो जाते हैं बेकार अगर हमारा फन आप पसंद ना करें। क्या बात है भाई, बड़ी गहरी बात कर दी आज तो आपने। अरे आपको सुनते आए इतने अच्छे से, बड़ी गहरी बात और बड़ी दूर की बात की आपने आज तो, वाकई इसमें कोई शक नहीं भाई, बिल्कुल। और हीरा शेख वाकई जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि हीरा शेख वाकई माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड जो है वो फनकार हैं और बहुत टैलेंटेड है और हर फन मौला है, ये नहीं कि इन्हें कोई अगर सीरियस रोल मिले या अगर कॉमेडी मिले तो वो नहीं कर सकती, इन्हें जो भी काम दिया जाए ये फौरन करती हैं, बिल्कुल। और किसी में चैलेंजेस मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए जिंदगी में, मतलब जब जो चैलेंजेस कहते हैं ना बीट कर जाए ना वही जिंदगी का मजा भी लूटते हैं, उन्हीं के साथ ये होता है। तो जनाब बिल्कुल एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि ये हीरा शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में और आप जो है बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल हमें कर सकेंगे 111111100 पर और हमें ज्वाइन कर सकेंगे। और इस तरह ये बात जो है यहाँ से निकल कर आगे तक पहुँचेगी और इंशाल्लाह हम जब तक आप चाहेंगे उस वक्त तक हम आपके साथ रहेंगे। प्रोग्राम हमारा 3 बजे तक है और कोशिश है कि 3 बजे तक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो जाए और बहुत अच्छे मैसेजेस हो जाएं और उसके साथ साथ आपकी लाइव कॉल हो जाए।
अरे तो, क्या बात। अच्छा हीरा, मुझे थोड़ा सा ये तो हम गुफ्तगु तुम्हारी चलती रहेगी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक्टिंग की मतलब जब कोई हम चंद साल पीछे जाते तो एक्टिंग हमारे यहाँ हमारे घरों में हमारी फैमिलीज में अच्छी नहीं समझी जाती थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नंबर वन माशाल्लाह अवेयरनेस तो बहुत आ गई, अब तो बहुत आ गई, पहले लोग ये कहते थे कि यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, फील्ड कोई बुरी नहीं होती। कुछ टाइम पहले आपने ये भी सुना होगा कि सलॉन्स के बारे में बड़ा इशू होता था, औरतें पार्लर नहीं जा सकती थी, टीचिंग किसी फील्ड में, बैंकिंग। अच्छा आप मुझे बताएं फील्ड कौन सी अच्छी है? फिर फील्ड हमेशा अच्छी रही है, लोग अच्छे बुरे होते हैं, सही, बिल्कुल सही, ठीक है। और अब माशाल्लाह एक्टिंग के हवाले की तरफ अगर मैं आऊं, एक्टिंग की जानिब, तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ठीक है। और आपको वहां आके आप, बल्कि मैं कहती हूं कि जितनी फील्ड अभी जितनी भी फील्ड है उसके अंदर एक्टिंग जो है वो बड़ी अच्छी और व्हाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर आए, और टैलेंट की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत पल पल रही है, हर पल रही है, और हर पल रहेगी, रहेगी बिल्कुल रहेगी। तो आप लोग जरूर आए। अच्छा अभी बुलाने के लिए क्यों, हम बुला तो नहीं रहे अभी, अभी से बुलाने? अरे नहीं, मैं तो मतलब बुलाने का मकसद ही इस फील्ड में अगर आप लोग आए, लोगों को बड़ा एक वो होता है कि हमें एक्टिंग करनी है। हाँ जी वो तो है, वो अच्छा हर शख्स ये जिसको पूछे वो एक्टर है वो कहेगा मैं अभी एक्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। कैमरे की आंख खतरनाक हो जाती है, कैमरे के आगे अच्छे अच्छे खराब हो जाते हैं। मगर जब कैमरे पे आप जाएं या माइक पर बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर पता चलता है कि आपके अंदर है क्या, क्योंकि माइक पर कैमरे पर भी देखे ना कि कैमरे और कोई भी नहीं होता, मगर से कैमरे की एक आंख जो है वो आप पर इतनी दहशत तारी कर देती है कि आपकी सांस रुक जाती है, आपकी आवाज बंद हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी शक्ल से अजीब अजीब शक्ल बन जाती है, और आपके ऐसा लगता है पावर जो है ना वो ऑफ हो गई है ना, बिल्कुल बिल्कुल लगता है किसी ने स्विच बंद कर दिया, स्विच ऑफ पे चला गया। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये हकीकत है। अच्छा खैर, तो ये सिलसिला ये कि जब आपने एक्टिंग शुरू की तो कौन सा दौर था, क्या था वो? 2011 में मैंने स्टार्ट की एक्टिंग, और मुझे इस बात में बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि लोग कहते हैं कि हमें फलां डायरेक्टर लाया था, हमें फलां एक्टर लाया था, हमें फलां प्रोड्यूसर लाया था, मुझे इस फील्ड में एक मेकअप आर्टिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा वो भी तो बड़ी बहुत मतलब पहुंची हुई होती है मेकअप आर्टिस्ट भी, तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल नस से वो पहचान जाती है। आपने कहा था कि, और मजे की बात ये होती है, देखिए हमें पहुंचाने वाला या हमें रेफर करने वाला कोई हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमें आगे किस तरह निकलना है, हमें अपने काम को मनवाना होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं एक अच्छे नाम के साथ जानी जाऊं, अपने कैरेक्टर के साथ मैं इंसाफ करूं, और जो कि बस मेरी एक खुशी की बात है कि लोग पसंद कर लेते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग देखते हैं और इस काबिल समझते हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा नहीं पता, लोग ये बता दूं आपको हीरा कि लोग अब बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, और लोग बहुत ज्यादा जान चुके हैं, और वो मतलब जिसको काबिल समझ रहे हैं वो काबिल है, इसका मतलब हकीकत आज का जो दौर है, आज का जो दौर, अब लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार, और इतना शार्प हो गए, मैं आपको बताऊं कंटिन्यूटीज का इतना भंड पहले हो जाता था किसी टाइम पे, अब तो वो बंदा कहता है अरे इस कमरे से गई थी, इस कपड़े में निकले, अब ये कपड़े कैसे आ गए, तो ये बैग कैसे, अब तो ये हाथ में, तो माशाल्लाह अच्छी बात है अगर ये इस तरह लोग देख रहे हैं, मतलब मोहब्बत। अच्छा ये काम पता अभी भी हो रहा है, अभी मुझे याद नहीं, कुछ अर्सा पहले मैं कुछ बैठ के देख रहा था टीवी पर, तो याद नहीं कौन सा प्ले था, ये किसका था, उसमें ये गड़बड़ ये भंड हुआ था ये भंड हुआ था ये हो जाते हैं, हो जाते ये भंड हुआ था, मैंने यार ये अजीब देखो, पता नहीं मुझे याद नहीं। अच्छा इसके अंदर मैं बोलती हूँ इस टाइप के जो भंड होते हैं ना, प्लीज उसमें एक्टर्स को बिल्कुल मत, उसमें एक्टर का ये जो भंडारी होते हैं ना, ये एसोसिएट होते हैं, ये असल में कंटिन्यूटी होने की बात होती है ना, कि अब क्या भाई, अब डायरेक्टर हाँ भाई वो कंटिन्यूटी में क्या है, वो सर वो देखे वो उन्होंने ब्लू शर्ट और रेड पैंट पहनी हुई थी, अच्छा ठीक है तो ओके भाई, मतलब उसने मुआवजे में पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया उसने, दूसरे दिन शूट हुआ तो सब हो गया। अब आर्टिस्ट तो बेचारा वो क्या कहते हैं कठपुतली होता है ना, वो तो बस कठपुतली होता है, वो बस आपने जिस तरह चलाना है वो उस तरह चल रहा होता है, वो बेचारा तो बाकी हकीकत इसमें कुछ नहीं है कि वो कठपुतली की तरह चल रहा होता है, उसे तो जो कह दिया हाँ भाई ये ड्रेस आपका भाई आप तैयार हो गए जी, वो तैयार हो गया चीजें जी ओके जी, अब उसको पता नहीं जब वो एडिटिंग में जाते हैं। अच्छा फिर बात ये है कि ये भंड देखे ना कि एडिटिंग से भी निकल गया,
हाँ बिल्कुल हाँ, ये बड़े मजे की बात होती है, ये मजे की बात देखिए, वो इतनी जगहों से गुजरने के बाद वो वहां भी जाते चले वहां। अच्छा हो गया। अच्छा मतलब पता है इशू क्या होता है कि वो सीन वो कट नहीं कर सकता समटाइम। हाँ, ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, रिप्लेसमेंट नहीं है ना कि वो लगाएगा क्या उस जगह एडिटर, वो फिर कहता है यार अब जाने दो, वो कहता है जब उधर से आ गया बन तो इधर से भी बन सही है, जाने दो यार इसको, ये की क्या है, क्योंकि वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, रिप्लेसमेंट हो तो शायद वो चेंज कर दे वो, मगर वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त रिप्लेसमेंट का नहीं होता। खैर बहरहाल ये तो है। तो पहला आपने जो किया हीरा, वो पहला क्या प्ले था, क्या था मेरा सीरियल था वो ये कैसी मोहब्बत है जवेरिया सऊद के साथ। अच्छा अच्छा, जैसे जवेरिया ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब मौका दिया और मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों के साथ काम किया। फिर वो परफ्यूम चौक चला, उसके बाद परफ्यूम चौक बड़ा चला था। हाँ, और उसके बाद मेरा जो हिट रहा वो सब जानते हैं कुद्दूसी साहब की बेवा था, यही मैं जिक्र भी कर रहा था, जिससे मुझे एक मशहूरी मिली, जो एक फेम मुझे मिला वो था कुद्दूसी साहब की बेवा। और कुद्दूसी साहब की बेवा को डायरेक्ट किया था मज़हर मोइन ने, लिखा था फसी बारी खान ने, और इसके जो मेन किरदार थी जो बड़ी मजेदार सी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, हिना दिलपजीर साहबा, और मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे सहर। अच्छा, वो हरफन मौला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब शायरी और इतनी अच्छी शायरी करती है। अच्छा मजे की बात बताऊं, जो वो है ना वो दिखती नहीं है, नहीं, वो ये तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है, क्योंकि वो मतलब लोगों की नजर में होते हैं। अच्छा एक बात ये है कि हमारी आवाम ये समझती है कि जो जितना जुकते मार रहा है ना, जो जितनी तफरियां कर रहा है वो बहुत ज्यादा तफरी होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हिना जो है मेरे ख्याल में इससे बिल्कुल अपोजिट है, और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो माशाल्लाह बहुत एक सुफियाना टाइप उनकी पर्सनालिटी है, और बड़ी अच्छी खातून है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी खातून है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, मतलब उनका जो लबो लहजा जन वो बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह कोई शक वो अक्सर बेचर जब मैं मतलब अब तो बहुत अरसे से उनसे बात नहीं हुई मेरी, वरना अक्सर मेरे मैं प्रोग्राम में वो कॉल करती थी शायरी, और वो तो मतलब सुनती रही। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग होते हैं जो जिनको ना इस चीज से, जैसे मुझे, मैं आपके पास इस वक्त आगे बैठी हूँ, तो एक तो मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन थी, 1998 से मैं आपको सुनती रही, और आपकी बड़ी पुरानी लिसनर हूँ मैं, जंग लगी हुई। तो अब मजे की बात यह है कि आपको बहुत सुना और बड़ा शौक, और वो होता था कि यार कॉल मिल जाए 111111100111111100, वो टाइटल। अरे जी, मैंने आपको बताऊँ, खलीलुल्लाह फारूकी साहब आप हुए, रूबी जी हुई, मतलब मैंने, अब आप अंदाजा लगा लें। तो मैं बड़ी पुरानी जो है ना एफएम की शौकीन रही हूँ एक टाइम पे। चले, और आज देखिए सालों के बाद आज यहीं बैठी हूँ, मेरे मालिक का करम, मेरे मालिक का करम, बिल्कुल बेशक। अच्छा, इसके मैं ये सिलसिला आपका चलता रहा तो कैसे, मतलब ये इसको मैनेज आप कैसे करती रही, आप घर में तमाम लोग आपके एग्री थे? मैं शादी के बाद इस फील्ड में, ठीक है, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही मुझे, और मेरी फैमिली की मुझे बहुत शरीफ आदमी है, नहीं शरीफ तो मर्द कोई शरीफ नहीं होता, लेकिन वाकई मेरे मियाँ शरीफ है। अच्छा, कह रही मर्द शरीफ भी नहीं होता, फिर मियाँ शरीफ भी है? नहीं देखिए, मुझे घर जाना है ना वहाँ पे। घर जाना, ये बात भी सही है, बात भी सही है। नहीं नहीं, अच्छा ये है, मुझे सपोर्ट बहुत रही मेरी फैमिली की, मेरे माँ बाप की दुआ थी मेरे साथ, और अब तक है अल्लाह पाक उन्हें का कयामत हमारे सर पे साया उनका रखे, और ये सब जो है उनकी अता है, उनकी दुआएं हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो एक मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ी बात होती है वो आपको फैमिली से मिलती है, वो सबसे बड़ी बात, बैक आपकी सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल, तो मुझे वहां से बड़ी अच्छी सपोर्ट थी, तो मुझे अब माशाल्लाह आज लोग देख रहे हैं, और मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, और इसलिए क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ, और मेरी बेटी है एक, तो अब उस बेटी को छोड़ के मैं कहीं ऐसे नहीं जा सकती ना, ऐसी बात है कि आजकल का दौर आपके सामने सब कुछ, तो दौर बहुत चेंज है। बिल्कुल, तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी बाहर होते हैं, फिर मैं भी बाहर होती हूँ, तो आप बच्चे को देखना, वो अभी भी बाहर है, वो अभी भी बाहर है, आए हैं जबकि, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे, वो कहते मैं बाहर हूँ, वो कहते नहीं मुझे बाहर की आदत बड़ी, मैं बाहर ही, मैं बाहर ही ठीक हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा। तो बस ये है कि फिर वो मेरी बेटी को जो है वो मेरी मदर देखती है। अच्छा अच्छा, और मैं बस अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, आमीन आमीन। माँ तो फिर माँ है, माँ तो फिर माँ, माँ तो फिर माँ है। हाँ ठीक है। अच्छा ये मुझे बताए, हीरा के ये सिलसिला जो है ये माशाल्लाह चलते चलते अब जब आप बड़ी स्क्रीन पर आए तो कैसा लगा?
मतलब इंसान की सोच जो ना जब वो टीवी में चल रहा होता है, सच बताऊं, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच ही बताना पड़ेगा। सच ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक की। मैं आज जिस मकाम पे भी हूँ ना, मैंने ये सोचा भी नहीं था। हकीकत है ये, बहुत से लोग कहते हैं लेकिन हकीकत ये है। और जब मैंने अपने आप को बिग स्क्रीन पे देखा ना, तो मैं आई वॉज शॉक के वाकई ये मैं ही हूँ। स्क्रीन पे पूरी आ गई थी आप? बस अब क्या करें, वो स्क्रीन बहुत बड़ी होती है ना। स्क्रीन ये बात तो वो स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो बहुत तो मेरे साथ दो तीन लोग भी आ गए थे मेरे साथ। सही बात है, वो भी आ गए होंगे। तो कैसा तजुर्बा, कैसा लगा वैसे? बहुत अच्छा। आबिस ने बड़ी मेहनत की उस फिल्म पे। आबिस और आबिस बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। टेक्निकली बहुत अच्छा रहा, बहुत मजे के लोग थे। और क्रू फिल्म्स को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिनकी वजह से मुझे, मैंने कुदूसी किया, कुदूसी साहब की जो प्रोडक्शन थी वो क्रू फिल्म्स की थी। मेरी खाली साहब से बात हुई थी। अरे बहुत अच्छे इंसान वो, मेरे ख्याल में कल शायद कल या परसों कराची आएंगे, लाहौर गए हैं वो। जी अभी प्रमोशन के लिए गए, प्रमोशन के लिए लाहौर गए। मेरी कल उनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैंने तुम्हारा जो ये बैनर भी उनको सेंड किया था। कल नहीं, अच्छा गुड यार, जबरदस्त भाई। तो मैंने कहा हीरा आ रही, कह रही ठीक है मैं आता। मैंने कहा आप जब आए, हकीकत में आपको बताऊँ, खाली साहब बहुत अच्छे इंसान है और कुदूसी साहब की वजह से मुझे एक मशहूरी, मैं हकीकत ये कहूंगी मैंने काफी काम किया, लेकिन जो मशहूर मेरा प्रोजेक्ट हुआ वो कुदूसी साहब की बेरा था। हकीकत है वो, मैं ये मेरी हकीकत है कि तुम्हारी जो है उसमें मतलब शोहरत में ना वो उसका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ, सही सही एक जो सतूर कहना चाहिए। हिना दिलपजीर का जिक्र फिर आता है इस बात पे कि हिना ने मुझसे कहा था तुम्हारी ये जैकपॉट है बेटा, और ये क्लिक कर गया ना तो बस तुम देखना, और वही हुआ माशाल्लाह। अच्छा वो ऐसा कि तारीखी बन गया है वो आज भी लोगों को याद है। मतलब मैंने अपने स्टूडियो में बात हो रही थी वो, मतलब ज्यादा तो वो देख के मैंने कहा कुदूसी साहब की बेवा में कर, अच्छा 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 वैसे उनके जहन में क्योंकि लाजमी यहाँ रहते हैं तो इतना वो टीवी देखने के बाद में तो प्रोडक्शन में रहती है सब कुछ, जो मैंने कहा अच्छा खेरे बस फिर मैं पहचान गया, फिर पहचान गया। तो ये हकीकत है कि वो अक्सर ऐसे लोगों को आपकी वो उस कद्दू साहब की देवा की बुनरिया जो है ना वो लोगों को नहीं भूली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो अच्छा, फसी ने, फसी के हाथों में ना, मैं आपको बताऊं, फसी जो है राइटर, उनके हाथों में ना मैं कहती हूँ एक कुदरती एक कुछ कशिश है, वो कि वो जो लिखते है ना वो क्लिक हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जादू है फसी के हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक प्रोमो चलते एक है, टैग लाइन है, हम उस नाम नहीं ले सकते। नहीं वो जैसे कोई नहीं, मतलब वैसे वो एक हमें तो टैग लाइन है कि वो कि जादू है वो क्या तो बिल्कुल बिल्कुल जादू है। असल में ये होता भी है कि कुछ लिखने वाले, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर, कुछ लोग, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे कि जिनके साथ काम करते हुए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, या जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग के तरह काम करने में, जब आप टीम हो या आपका डायरेक्टर जो आपके जिसके अंडर में आप चल रहे हैं, अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी तो वो वाकई का प्रोजेक्ट या कोई भी वो हिट हो जाता है। मैं कहती हूँ आप बताऊँ, बाउंड्रीज नहीं होती ना एक्टिंग में, कोई बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल तो मजहर आपको फ्री हिट देते हैं, और हमारे नौमान है सैयद नौमान, वो हमें फ्री हिट देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सैयद आतिफ हुसैन है, और बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको बहुत सुकून से, आप कहते हैं जैसा करना है वैसे करें। अभी मैं कह रही हूँ क्या कहते हैं, एक फिल्म जो हमने की, इसमें भी आप, इसने भी बड़ा उससे रखा। अच्छा इसमें कैरेक्टर तुम्हारा क्या है इसमें, इस मूवी में? इसमें मूवी में मेरा कैरेक्टर जो था वो था एक गोल्डी आंटी का, जो कि बड़ी शौक चंचल सी और वो सोना वोना पाके बैठी हुई ऐसी खातून थी, लेकिन उन्हें कराची के हालात की बिना पे वो सोना उतारना पड़ता। अच्छा। तो छोटा कैरेक्टर था लेकिन मजे का कैरेक्टर था। 5-6 शॉट्स थे मेरे उसमें सीन में। अच्छा काम पता, काम भी ये मेरी सोच है, और वैसे छोटा बड़ा जो भी हो, काम पता काम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत पूरा थ्रू आउट आपने पूरा एक सोप कर दिया, पूरा सीरियल कर दिया, मगर लोगों को याद नहीं रहे। और कभी कभी कोई एक कैरेक्टर बंदा आता है और एक शॉट होता है, एक सीन होता है, उसको चेक करके निकल जाता है, लोग वो नहीं भूलते उसका। उसके अंदर ये था ना कि वो तनु कराची वाले की पता कि दूध की आंदा है, मैं तो अपनी मज नाल लेके चलनी है। तो वो जो था कि मैं अपनी मज, अब वो सोचे कि वो अपने साथ अपनी मज ही लेके निकल गई है ना। अच्छा आप लोगों को बताती चलूं, अगर कोई पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, कि मज जो है वो भैंस को कहते हैं पंजाबी में, तो वो दिखाया कि मैं, तुम लोगों को क्या पता कि दूध क्या होता है, या तो मिलावट होती है। उनकी नजरों में वो जो आंटी आई तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं तो अपनी भैंस ही साथ लेके चलती हूँ। गल है
भी सही गल भी सही है। अच्छा जी मैं आपको बताते चलूं कि ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी और हम इसी तरह गपशप करते रहेंगे, 3 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग अगर कॉल करना चाहें तो 111111100 पर हमें कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल आप जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा और आप लोगों के मैसेजेस वैसे जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गए। पाकिस्तान चौक से एजाज कहते हैं शोभी ब्रो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रो, आई एम फाइन ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आज के तमाम मेहमानों को तमाम गाय भाई, आपने मुझे एक के साथ बहुत सारा शुमार देख लिया भाई, ये तो इन्होंने देख लिया भाई, एक नहीं हो सकती भाई, एक नहीं हो सकती, ये तो मेहमानों को वार्म वेलकम और सबको दिल की गहराइयों से सलाम पाकिस्तान चौक की वालों की तरफ से। चले जी चंगी गाले और उसके शफी कहते हैं सलामुअलैकुम एंड स्पेशल सलाम टू हिरा शेख एंड ऑल लिसनर ऑफ एफएम 100, माशाल्लाह शो नाइस है, फोन करने की कोशिश की पर नाकाम हो गया, दोबारा मिलाएं जरूर मिल जाएगा। हाय 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 यार हमने तो अभी कॉल रिसीव ही नहीं की, आप करें तो सही, देखें अब आप आएंगे अपने पास, हम बीच में किसने कॉल रिसीव कर ली ये बताएं जरा, पता नहीं यार, चलते अब आते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जनाब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, गुड वेरी गुड जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे जी जी, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड है, आप तो सुबह तक जागेंगे यार जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, तुसी आपे गल कर लो, हाँ गल करो तुसी ना, की होया किथे गए, हाँ हेलो गल करो की होया, कोई गल नहीं फिर दोबारा कॉल कर लो जी जनाब। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी लाइन पर, 111111100 पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 हेलो, हाय लाइन कट हो गई, हाय अल्लाह, उफ बाजी ये लाइन क्यों कट गई, कोई गल नहीं जी, आप दोबारा कॉल की बिल्कुल कर सकते हैं, 111111100 पर आप हमें कॉल करेंगे तो आपसे हमारी गुफ्तगू होगी। अच्छा अब हीरा ये बताएं कि एक्टिंग जो है वो एक्टिंग के बारे में आप क्या कहती हैं, एक्टिंग क्या आसान शोभा है या मुश्किल है, क्या है मतलब, या बस ठीक आगे तो हो जाएगा जब कैमरे के सामने आगे तो कर लेंगे। मैं आपको बताऊं एक्टर जो भी है, फनकार जो ना पैदाइशी फनकार होता है, बिल्कुल ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से शोबाजात में जाके लोग सिखा रहे हैं, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन सीखना भी वही चाहेगा और वही सीख सकता है जो फनकार होगा, जो होगा बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक्टिंग जो है आसान बहुतों के लिए है और बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए आसान के बाद पॉज क्यों लिया, इसलिए मेरे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूंगी मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए है कि मुश्किल है, लेकिन हम पल पल इस एक्टिंग में भी हम पल पल सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो यह सीखने का अमल जारी है, अभी तक जारी और सारी है, बिल्कुल जारी और सारी रहेगा। चले देखते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते हैं कौन है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, हाय 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 हाय, हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, हुमा कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप, मान जाओ, उफ मान जाओ ना, अरे हाय बुशरा अंसारी की बहन अस्मा अब्बास, अरे थैंक यू सो वेरी मच, अरे बस आप लोगों की दुआएं, यही चाहिए, यही चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्या मान जाओ ना, अरे हुँ।
अरे बस आप लोग मोहब्बत देते हैं, मैं तो ये कहूंगी अपने लिए और जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं ये कहूंगी कि देखें, प्राउड जो है ना वो सिर्फ एक जात को जचता है जो कहता है कि फबी यही आल ही रबी कुमा तो जबान, ठीक है ना। तो प्राउड सिर्फ उसी जात पे है, बेशक ठीक बेशक। है। हम तो सिर्फ झुटलाए जा रहे हैं वाली बात है। तो बस हर किसी को अपनी असलाह करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, अच्छा जिंदगी में पता है जरूरी नहीं, हम सब एक दूसरे से हमें सीखते हैं और सीखना बिल्कुल भी सीख चाहिए बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमसे बेहतर है, कोई हमसे कमतर है। अरे जरा नवाजी आपकी, जरा नवाजी आप लोगों की मोहब्बत, बस दुआओं में याद रखा करें, जब मुझे देखा करें, मुझे पल पल दुआ दिया करें, दुआ की अच्छा जरूरत है। हुमा, बिल्कुल 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 सही। अरे बस इनसे तो अभी हम सुनते हैं बड़े मजे मजे की चीजें। हुमा एक बात सुने, एक बात सुने, और ये आखिरी बात है, इसके बाद कॉल बंद हो जाएगी, ठीक है। वो ये बात है, मान जाओ ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बोलते ओके रहेंगे जी, अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलते एक और कॉल की जानिब, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, हाय 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 हाय, इस लाइन कट गई। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। अच्छा बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आपको वेलकम कहते हैं। तो पक्की बात है, दिल पे हाथ रख के बोले, दिल पे हाथ रख के बोले, रखा दिल पे हाथ। अब सर पे हाथ मत रखवा लीजिएगा शोभी साहब। अच्छा बेटा बोले, आप बोले बेटा बोले, आप बात करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सदा खुश रहो, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। फरासत रिजवी साहब के बेटे हैं आप। ओह अच्छा, तो ये मतलब ये पहचान ज्यादा अच्छी है ना, है ना। खैर, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं? अच्छा देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, चले देखते गुड रहे, फिर गुड बड़े गुड शौक गुड। से देखते तो ये रहे। हमारे साथ मेहमान बैठे, इनको जानते हैं क्यों नहीं? जी, अच्छा मतलब अच्छा आप इनका नाम भी और इनको टीवी भी देखा कभी आपने? अच्छा वो आपका टीवी कितने इंच का टीवी है आपका, कौन सा इंच, कितने इंच का टीवी है आपका? नहीं तो उसपे नहीं आएंगे, मुश्किल है फिर। अच्छा ये आपने 40 या 42 का नहीं, होता तो आ जाती। फिर नहीं उसपे नहीं, छोटी टीवी भी नहीं आती, बड़े टीवी पे आती है ये, ठीक है। ओके बेटा थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। ओके थैंक यू है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई सही बात है ना, सही सही उसको बात पहले से है। बता देखिए दे, जरा इसलिए वो बेचारी टेंशन अब वो में है। जाके इससे मैं वो कहेंगे 40 दिन का टीवी लेके आए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का लाख शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, ठीक हैं, आमीन 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 जी। पता नहीं बस कब आप कहती हैं थैंक यू सो तो वेरी मच। क्या। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं इसमें, मुझे इस बात का एहसास है और यकीनन आपकी दुआएं मेरे साथ होती हैं, बेशक बेशक बेशक। भुनड़िया का कैरेक्टर था मेरा, जो हिना दिल पजीर की आपने अगर देखा हो तो रू अफजा की नन थी, छोटू जो थे अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, मकसूद भाई उनकी बहन। जी, बस आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का प्यार था। आमीन थैंक यू आमीन सो वेरी आमीन। मच, आमीन। अरे बस आप दो, अरे बहुत जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बस दुआ में जरूर याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। आमीन आमीन।
جزاک اللہ, تھینک یو, تھینک یو بہت, دعاؤں میں یاد, ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ. چلے جی کچھ میسیجز کی جانب چلتے ہیں, میسیج بہت سارے آ گئے ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. اور یہ میسیج جناب جو ہے نعمان خان کو جانتی ہیں, نعمان خان یار بیٹا میرا باپ کے سامنے بول رہی ہے, بہت سارے نعمان ہیں, میں نے کیوں کہا تھا, نعمان کو بالکل جانتی ہوں, بہت پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ, اس کے میسجز آتے رہتے ہیں مجھے. ہاں بالکل, نعمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں پے بھائی سلام ٹو ہیراپی, وعلیکم السلام. اور اس کے بعد جی بالکل ہانی نے ابھی کال کی تھی, آپ نے سن لیا ہوگا, اور بالکل ہانی نے کال کی. اس کے بعد دانش تہری جو انٹیریئر سندھ سے ہمیں سننے گئے تھے, السلام اجمل بھائی, وعلیکم السلام. پھر محمد عاصم خان جو ہے وہ ان کو تو آپ جانتی ہوں گی شاید, عاصم خان جو فوٹوگرافر ہیں اور فیشن شوز, جی جی بالکل بڑے جانی بجانی شخصیت, بالکل وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ثنا یاسین ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں نائس شو, تھینک یو. اور وجے کپور کہتے ہیں ہائے 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 وجے, ہاؤ آر یو. اور میں بھی شسلم نے ہمیں جوائن کیا, سبا کاوش کہتی ہیں ویری گریٹ, بیسٹ آف لک, تھینک یو سبا, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد علی کشمیری لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. علی کشمیری تے آپ کو خوش آمدید, اور صدقے میں جوان جاؤں نہ دے جنا دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ سبا کاوش جو ہے میں مدینہ سے دیکھ رہی ہوں. اچھا کیا بات ہے ماشاء اللہ بھائی, سبا آپ میسج ہمیں میسج, اچھا انہوں نے میسج پورا لکھا, جگہ نہیں لکھی, خیر بہرحال. اور اکثر صدیقی, عابس رضا اور بابر خان یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, عابس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. عابس بھائی دیکھ لیں, عابس ابھی آپ کو جب میں یوں کرتا ہوں, میں ابھی آپ تیار رہیں, میں آپ کو کال کرتا ہوں ابھی کچھ دیر میں, ٹھیک ہے, یا آپ مجھے کال کریں, ٹھیک ہے. عابس کا تو کام میں آپ کو بتاؤں, عابس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اور عابس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نا آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھے سے کام انہوں نے ماشاء اللہ, بہت ماشاء اللہ, بہت سینئر اور بہت ہی بڑا ٹیلنٹڈ, بہت اچھا انسان. دیکھیں ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اور آپ کو انسان سب سے, اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں نا, پھر آپ سب کچھ بیکار ہے. عابس اچھے انسان نہیں ہے, بہت اچھے انسان ہے, یہ مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر مطلب ایک میں جنرلی طور پہ بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ سب کچھ ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, ایکٹر ہیں, مگر آپ انسان اچھے نہیں. میں بھی تائید کروں گا کہ اچھا انسان, وہ اچھا انسان, ڈرنے کی بات ہی میں ڈرتی نہیں سوائے اللہ کے. اچھا, اور اس کے بعد اکثر کہتی ہیں جناب, کہتی ہیں رے بنریا, اور یہی ہے زندگی کا بات, ننی خوش نصیب, واہ واہ واہ, خوش خوش آمدید, تھینک یو سو ویری مچ. اور اس کے بعد انس چیما جو اسپین سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اسپین میں, اور کہتے ہیں گڈ شو جی, تھینک یو, تھینک یو جی انس. اور کہتے سلام سر, ایف ایم فرام اسپین, گیسٹ پیاری ہیں, ارے تھینک یو سو ویری مچ. اور اس کے بعد حبیب علی سلام جی, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور حمیرہ زاہد کو جانتے ہیں, کیسے ہیں حمیرہ آپ؟ حمیرہ نے ہمیں ایک دفعہ کہا آنے کے لیے, ہم نے بینر بنایا, سب کچھ کیا, اس کے بعد کہنے کی کچھ ایشو ہوا ہوگا, ورنہ وہ ایسا مس کمٹمنٹ کبھی کر نہیں سکتی. تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ہوا بھی نہیں لگائی, وہ ٹینشن میں ہو گئے ہوں گے نا, کہ وہ ایک ہو جاتا نا بندہ کہ ایسا پرابلم ہو جاتا. اکثر تھینک یو ویری مچ بھائی, وعلیکم السلام. مہانور خان کہتی ہیں ہیرا شیخ لکنگ جارجس, بھائی کیا بات ہے ہیرا شیخ, تھینک یو, تھینک یو مہانور. اور اس کے بعد ردا محبوب کہتی ہیں ہیلو جبو تھافیو جی, ہیلو السلام علیکم, اور ہائے. میں کہتا ہوں ہیلو کی جگہ سلام نہیں کہتے تو کیا ہر جگہ, ہاں مطلب یہ کام کی بات ہے. عمر خطاب ہمارا بڑا پیارا سا دوست ہے, اور میٹرو لائف کا جو ہے وہ بھی ہیں, اس کے بانی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں یہ ہمارے, اور یہ بھی ہمارے ساتھ موجود. کہتے ہیں آداب بھائی, آداب آداب دونوں ہم نے کہہ دیے. اور سید فرید حسین صاحب, فرید پبلشر کے روح رواں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, خیر ہو آپ کی سر, تھینک یو جی, خیر ہو آپ کی بھی. توفیق علی بڑے پیارے سے دوست ہمارے, جو یقین گلشن سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں بھائی شوبھی بھائی جی, اللہ کے شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میں میر خان میر کہتے ہیں ہلو شوبھی بھائی, وعلیکم السلام جی, کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شہریار ادریس ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. خالد نعیم صدیقی صاحب کہتے ہیں ارے بھائی یہاں کے میسیجز بھی پڑھ لو, سید معاذ علی نظامی کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام. اور کہتے بہت زبردست اجمل بھائی, تھینک یو جی. خالد نعیم صاحب آپ کا میسج دیکھے میں نے پڑھ لیا, دیکھ رہے پہنچا تو جب ہی پڑھ لیا, فوراً کیچ کر لیا اس کو, میں جانے نہیں دیا.
और जीशान हुसैन कहते सलाम अजमल भाई, वालेकुम सलाम जी। और नसीम शेख साहब बड़े प्यारे से राइटर हैं और शायर हैं, अभी 15 दिन पहले हमारे शो में मौजूद थे। तो नसीम शेख साहब आपको भी खुशामदीद, और कैसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और जनाब उसके बाद बहुत उम्दा शो अजमल भाई, बिलाशुबा एक मेहनती फनकार हैं और जो अपनी मेहनत से चार चंद लगा देता है प्रोग्राम को, जब के मेहमान बिलाशुबा एक कदावर शख्सियत है। अरे थैंक यू सो वेरी मच। और भाई ये बहुत वाकई कदावर भी भारी भरकम शख्सियत है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से नजर न लगे कि ये मजाक की बात है, मगर ये कदावर मतलब या भारी भरकम से मरा दिया नहीं कि वो मतलब एक इंसान कहता है कि एक इंसान खुद अपने आप में एक मजमुआ होता है। बिल्कुल। और माशाल्लाह जो फन अल्लाह ताला ने आपको फन दिया है, जो कुछ आपको दिया, जो आप कर रही है, यकीन नहीं अल्लाह की अता है जो आपको दिया गया। मेरे मालिक का करम, मेरे मालिक का करम। बिल्कुल रीता महबूब कहती है कि अपनी गैस से कोई सॉन्ग भी सुनवाए ना सर। बड़ी खतरनाक फरमाइश है ये तो। जन्नत फैजान का मैसेज है का हाय 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 हाय, ये हाय जब आता है ना मुझे एकदम याद आता है वो हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, फौरन उस हाय पे ये याद आ जाता है। पता नहीं क्यों लोग हाय हाय करते हैं। ये भाभी गाती होंगी वैसे। हाँ पता नहीं, वो तो उस बेचारे को गाने याद ही नहीं होते तो गाएंगे क्या। और जनाब ये तो सिलसिला हमारा चल ही रहा है और हम चलते हैं एक बार फिर अपनी लाइव कॉल की जानिब। लाइव कॉल पे अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपको खुशामदीद कहूंगा, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 111111100। बिल्कुल। और महानूर कहती है कैसी हैं हीरा? मैं ऐसी हूँ, देखें फॉरन कैमरे में देखें, जाए देखें वीडियो देखें, जल्दी से ऐसी हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और रिदा महबूब कहती है रियली एंजॉयिंग, थैंक यू वेरी मच। और फिजा अली कहती हैं कि क्या कहती हैं, फायजा अली कहती हैं कि सलाम हीरा कैसी हो, बहुत टाइम बाद लाइव देखा है, प्लीज पिक देखना, शायद मैं याद आ जाऊं, शायद मैं याद आ जाऊं। देखो भाई, अरे भाई देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो भाई, ये भी भारी भरकम है। मुझे इनकी पिक्स नजर, ये चश्मा भूला है वगैरह? नहीं ये चश्मा नहीं, मेरे लेंसेस लगे हुए हैं। अब मैं इनकी भी उठती हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, जी 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 जी, याद आ गया भाई, याद आ गया भाई। कैसी है फैजा आप? ठीक, फैजा आप कैसे? ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आयशा अनीस कहती है शोभी भाई मेरा मैसेज नहीं मिला क्या? ये आपका मैसेज मिला तो पढ़ रहा हूँ मैं आपको, वरना मुझे क्या पता आपको कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारे लिए गाय बनाई। आपका नाम? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अरे बस आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। आपका नाम जानना चाहूंगा। सॉरी, हेलो, जुल्करनैन? जुल्करनैन जी, जी जुल्करनैन, जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं सर, है ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। मैं चांद नहीं लगाता, ये मेहमान हमारे आते हैं वो असल में चांद देकर आते हैं साथ। अरे बस अजमल साहब खुद इतने अच्छे इंसान हैं और हमारी एजाज की बात है कि आज उन्होंने इस काबिल समझा और यहाँ पे हमें बुलाया। अरे बस थैंक यू सो वेरी मच, इसी तरह प्यार दिया करें, दुआ दिया करें, मुझे जब देखा करें, मैं बार बार आपसे कहूंगी बस दुआओं में याद रखा करें, आप लोग की दुआ के मोहताज हैं हम लोग। अच्छा बस सुनते रहा करें इन्हें क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, रब रखा, रब रखा जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं, क्या आपका नाम? अच्छा आपका नाम क्या, आपको क्या कहते हैं? अच्छा मलिक नवाब खान जी, नवाब साहब जल्दी जल्दी, ओ ये तो पहले चले, जल्दी में थे वो, चले बहुत ही जल्दी में थे, बहुत ज्यादा जल्दी थे ये। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी भाई,
वालेकुम अस्सलाम जी। ये बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, पूछूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज तो वहीं से मिलेगी मुझे, तो नॉलेज इस बात की, क्योंकि ना मैं तंबाकू पीता हूँ, मैं पान खाता हूँ, ये गवर्नमेंट नॉलेज थी, पता नहीं कौन सी नॉलेज थी ये, इसका जवाब बेचारी ये क्या देगी जो ना पान खाती है ना जो तंबाकू पीती है। मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा, अगर इस पे लगा दिया तो। मैं तो कहता सारा टैक्स इसी पे लगा, इसी पे लगा दे, इसी पे लगा दे सब कुछ। अच्छा, ये जो पिचकारी और मुंह में भर के बैठे लोग बैठे रहते हैं, धुएं छोड़ते हैं ना, ये इससे जान छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम। है कोई हमसा? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? कैसे ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत जबरदस्त जी। चले भाई, हीरा शेख को वेलकम कर। अरे थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी आरजे कह रही आप? अच्छा, आरजे बन सकती हूँ। अरे भाई जबरदस्त। अरे थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की मोहब्बत, एक टाइम था कि जब ये शौक उठता था बड़ा हरा हरा और हम बन के आ गए। ओके थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही मुझे जी। दानिश, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक करम है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपसे बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं डिफरेंट चैनल्स पे। इनके, अभी इनके ड्रामे तो दुनिया भर के चैनल पे आते हैं। डिफरेंट चैनल्स पे, एआरवाई, जियो, और अभी जो है वो एक्सप्रेस और आज एंटरटेनमेंट पे जो है वो ऑन ईयर है प्रोजेक्ट्स, वो आप देख सकते हैं। और कौन सी आंटी आई है? आंटी कौन सी आई है? वही कौन वो कॉल पे जो आई थी शायद। अच्छा, जो उस आंटी की बात कर रहे हैं। गुड भाई, गुड, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जी, चलते हैं एक और कॉल के पास, देखते कौन है हमारे साथ। और 111111100 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे। और वैसे आपके मैसेजेस भी कुछ मेरे ख्याल हमारे पास हैं, जो मैसेज भी कुछ शामिल कर लेते हैं। सही है, शाह साहब जो है वो इस वक्त हमें देख रहे हैं कराची से। और शोभी भाई गेस्ट आप ना कमा का कहें क्या कमाल का अलैकुम, पता नहीं भाई क्या लिखा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने मतलब वही कुछ, मेरे को लगता है ये वहाँ की साउथ अफ्रीकन उन्होंने साउथ अफ्रीका की बोली लैंग्वेज लिखी हुई, छांगा मांगा की जंगलात से लैंग्वेज आई लिखा है उन्होंने। अरे आप नाराज मत होइए, ये एक जस्ट हम तफरी कर रहे हैं। ये मुझे वैसे लगता है इन्होंने जो है वो असल में वेलकम ही कहा आपको शायद। अच्छा अच्छा, अलैकुम वलूकुम जो लिखा है तो वो यही होगा उसमें। खैर, अब हुमा सदीकी का मैसेज है हमारे फेसबुक पेज पर के शो भी कल आप कल दुपट्टा की बात चली, आज हीरा का दुपट्टा नजर आ गया, कितनी प्यारी लग रही है। अरे थैंक यू। असल में कल मैं प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा। तो मैं बहुत सारे गाने दुपट्टे के चले, तो मैंने कहा दुपट्टा बेचारा अब तो शाज़ो नाज़िर कभी हमें नजर आता है, वरना हमारी आज की खवातीन ने दुपट्टे को संभाल के अलमारियों में और रख दिया, संभाल के कि इसको हवा में उड़ने लगे, हवा में उड़ता जाए। तो इसलिए वो लाल दुपट्टा था, इसलिए लोगों ने कहा उड़ने से बेहतर है। तो इसलिए लोगों ने जो वो खवातीन ने वो कह रही कि आज देखे दुपट्टा दुपट्टा नजर आ गया। चले बस जी, तो चले भाई, कुछ ना कुछ तो काम हुआ, कुछ तो बात सच हुई ना असल में। चले खैर बहरहाल। और करीम बख्श बलोच भी हमें इस वक्त देख रहे हैं गालिबन, मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो कनाडा में है कि आज कनाडा में स्नो हो रही है। अच्छा। और 25 जो है, और आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया करीम बख्श, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खालिद नईम सदीकी साहब कहते हैं, अरे भैया मेरी प्यारी वाइफ माजिया का सॉन्ग डेडिकेट कर दें, वो नाराज रहती है मुझसे।
मैं क्या बताऊं कि असल में म्यूजिक, अभी हमारी गुफ्तगु चल रही लाइव कॉल है तो इसमें म्यूजिक का भी कोई गैप आया नहीं, जब गैप कहीं आएगा म्यूजिक की बात चलेगी तो फिर मैं जरूर म्यूजिक चला दूंगा। मायरा महक जो है वो कहती है वेलकम हीरा, वेलकम 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 मायरा, वेलकम मायरा को जानती है, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल, ये भी आ चुकी है सीट पर, ये भी आ चुकी है। अच्छा अच्छा, कैसी है मायरा, आप ठीक हैं? तो ये भी कह रही वेलकम हीरा। और उसके बाद फिर जनाब करीम बश बलोच जो कनाडा में, वो कहते कि आने वाले मेहमान को खुश आमदीद, थैंक यू सो वेरी मच। और उसके बाद मायरा कहती है कि माशाल्लाह क्यूट क्यूट लोग, अच्छा भाई वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू भाई, गरूर नहीं किया, देखे हमने ये तो बस ये अल्लाह की तरफ से, हम गरूर नहीं करते। और उसके साथ जो फिर जनाब सबा काविश कहती है कि मैं मदीना में रहती हूँ और आप सब के लिए इंशाल्लाह दुआ करूंगी इंशाल्लाह जरूर। लेकिन अभी सबा जरूर कीजिए, जब आपने कहा है ना तो ये अमानत आपके पास चली गई है, बिल्कुल अब आपने कहा है तो ये अमानत आप तक पहुंच चुकी है, अब आपने लाजमी दुआ करनी है हमारे हक में, अल्लाह ताला हम सब के हक में बेहतर करे, और आमीन, आमीन। मेरे लिए हमारी मेरी फैमिली के लिए स्पेशली खासतौर पर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला के बारगाह में। और उसके बाद जब्बार खान ज्यादा कहते हैं सलाम ब्रो, सलाम आप ही कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? तारिक महमूद कहते हैं कि आप दोनों आप डन कोसरो, क्या लिखा है पता नहीं भाई, पता नहीं क्या लिखा है आपने, आप दोनों खुश रहे, आई थिंक खुश रहो, खुश रहो, या खुश रहो, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों खुश रहो, या आई नो। और जनाब एक सॉन्ग मानूर कहती है कि एक सॉन्ग हो जाए हीरा शेख, हीरा शेख मतलब लगता है कि हीरा शेख को गुनगुनाने वाली गला वाला साफ किया, मैंने एकदम सॉन्ग के ऊपर जो है थोड़ी सी। और शेर अली कहते हैं कि बल्ले 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 बल्ले, बस मैंने तक। राशिद अली वारसी कहते हैं हाउ आर यू ब्रो एंड बिग सिस्टर, हेलो आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। सभा कहती है, सभा काविश कहती है जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल गुड भाई, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की बात अपने ऊपर ले रहे थे कि हम ये करेंगे तो फिर वो अमानत हो जाती है हमारी और हम पर लाजिम हो जाता है, इसलिए वरना और कोई बात नहीं है। महक के नजीर कहती है कि मेरे मैसेज नहीं देख रहे आप, ये आपका मैसेज अभी नजर आया तो मैंने देख लिया, अभी आया तो मैंने देखा, और इससे पहले भी आपने सलाम लिखा था तो गालिबन वो सलाम अभी मेरे सामने आया, मैंने उसको वो भी शामिल कर लिया। ठीक है जी, ये आपके दोनों मैसेज हम तक पहुंच चुके हैं और हमने शामिल कर लिए, और बहुत शुक्रिया। 111111100 पर हम चलेंगे एक बार फिर, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, अरे थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग वो भी शामिल कर लिया। ठीक है जी, ये आपके दोनों मैसेज अब तक पहुंच चुके हैं और हमने शामिल कर लिए, हेलो, बहुत शुक्रिया। 111111100 पर हम चलेंगे एक बार फिर, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या सुनेंगे जी जी, कैसे लांडी का मौसम कैसा है? बर्फ पड़ रही है। अच्छा, उछले ठंडी हवा थम 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 जी जी, सुनाए सुनाए जरूर जरूर, बिल्कुल सुनाए बिल्कुल सुनाए बिल्कुल सुनाए। वाह 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 जी जी वाह वाह क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जजाकल्ला, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जनाब इस वक्त जो है वो हमें
मैं बताते चलूं कि राशिद अली वारसी कहते कि कैन यू प्ले सॉन्ग, अभी फिलहाल नहीं मगर जैसे मौका मिला, दरमियान में कोई गैप आया तो हम जरूर सॉन्ग प्ले करेंगे। और राहिल बेग हमें देख रहे हैं, अरे कैसे राहिल, कहते हैं ग्रेट ग्रेट, थैंक यू राहिल, थैंक यू, बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छा इंसान, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा इंसान। और उसके साथ मुजीब जावेद कहते हैं सलाम सर कैसे हैं आप, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारे से हैं। और उसके साथ जनाब मायरा महक कहते हैं शोभी साहब अल्लाह खुश रखे, तरक्की दे आपको, आमीन, हीरा मैं तो फैन हूँ आपकी। अरे थैंक यू सो वेरी मच मायरा। अच्छा इसमें एक बात बताएं मायरा, आपने कहा मैं फैन हूँ आपकी, उसके बाद हंस रही हैं, क्यों भाई ये क्यों, मतलब इसमें आधा सच क्या है? ये देख शोभी साहब रहे ना, मैं तो ये मैं फैन हूँ आपकी भी, हा हा हा, ये वो वाला फैन, अच्छा पता है क्या ये फैन कह के ना वो ऊपर वाला फैन समझी होंगी और ये कह रही होंगी मैं फैन हूँ आपकी, घूमती मतलब है ना, आप ये कहना चाह रही होंगी, ये समय ये क्या था, ये गलत बात है ना, मतलब घुमा के बात है, घुमा के बाबा, हम तो आपको पता है कि हम तो जो वो चिड़िया को बिठा के उसके पर गिनते हैं, चिड़िया उड़ती चिड़िया के नहीं, उड़ती के नहीं गिनते, निकल जाएगी कैसे गिनेंगे, अब चिड़िया को बिठा के उसके पर गिनते हैं बाबा। तो जनाब उसके बाद जनाब हम दानिश तैरी जो सिंध से हमें देखते हैं, शोभी भाई कॉल बात बहुत अच्छी लगी है, अच्छा कॉल पर बात बहुत अच्छी लगी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जनाब आप भी कॉल कर सकते हैं 111111100। और फिर मायरा कहती नहीं नहीं रियली ऐसी कोई बात नहीं है, हीरा जानती है कि मेरी बात हुई है हीरा से, मेरे पास मैसेजेस आए आपके, ऐसी बात नहीं, शी इज गुड, थैंक यू सो वेरी मच। चले भाई इसीलिए तो हमने कहा था कि ताकि सच उगल ले आप, ये होता है ये, और दाज मात बाज उठे ढबल दारू को मजाक उदाक नहीं हूँ मैं, ओए ये तो मुझे है ना। तो जनाब अब हम यूं चलते हैं, एक बार फिर हम चलते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब जनाब, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इस वक्त तमाम लाइन इस्तेमाल में है, आप अगर फारिग हो तो बाद में कॉल कर लीजिए। हेलो हेलो, अल्लाह का शुक्र आप ठीक है खैरियत से, बिल्कुल बिल्कुल आवाज अभी तो जवाब दिए मैंने जी भाई, नहीं नहीं आपकी आवाज तो बहुत तेज कानों से बाहर निकल रही है। आपका नाम क्या बात है सर, मुल्तान से सर, मुल्तानी हलवा, हाय हाय हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, थोड़ी सी नहीं ज्यादा सी हल्दी सी। सांवला गुलाब, सांवला गुलाब है ये, क्या ये कौन सा गुलाब था बाबा, ये कौन से गुलाब की बात हो रही है, अरे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई, सर ये आप इन्हीं की तारीफ किए जा रहे हैं कि ये हरी ये हरा गुलाब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्मार्ट लग रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है बाबा, लग क्या रहा हूँ मैं तो स्मार्ट हूँ, तो आपको पता क्या नहीं मैं स्मार्ट बंदा, स्मार्ट बंदा। बस अब मैं आपको यहाँ पे शराब देके जाऊंगी, आप मेरी तरह हो जाएंगे शोभी साहब। दे रहे हैं, दे रहे हैं अभी। सवाल अच्छा है, नहीं नहीं बता सकती मैं, ऐसा कुछ नहीं है जी जी, अरे पढ़िए प्लीज। करना भी सोचना भी नहीं चाहिए वैसे, क्या बात है, वाह वाह, इन्हें बताओ कि लहरें जुदा नहीं होती, हाय 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 हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जरूर सलाम दे, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज,
ये मुल्तान से हमें कॉल करते हैं तारिक खिलजी साहब, और बड़े प्यारे से बंदे हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी जनाब, चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जान, बड़ा मजे का शो जा रहा है। आने से पहले चलेगा भैया, तो सब तेजी में बड़े हैं पाकिस्तान में, बहुत जल्दी है सब, जल्दी में बहुत जल्दी, कहते हैं ये टाइम नहीं, जल्दी से मिलाओ, नहीं उठाए चल भाई आगे निकलते हैं। तो 111111100 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबा काविश का मैसेज हम दोबारा पढ़ लें, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदीना से, और कहती है कि मैं तो बोर हो रही थी, बस शो देखकर एक्टिव हो गई हूँ। ग्रेट, बहुत नाइस से चल रहा है शो, ग्रेट, थैंक यू सबा, थैंक यू, बस दो याद रखिएगा, और खुदा बख्श जो क्यों, कहते हैं बाबा खुदा बख्श जो क्यों, बाबा ठीक है ना, खैर ऐसे तो है ना, खुदा बख्श, मौसम ठीक है ना तुम्हारा। और सैयद फरीद हुसैन साहब, जी फरीद भाई कैसे, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आरजे नमान क्या कहते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ पीपल एंजॉयिंग योर लाइव शो ऑन फेसबुक, यस आई नो बेटा, लव यू, लव यू बेटा, लव यू, बस तुम भी आगे थोड़ा सा शेयर कर दो इसको और आगे। वो असल में ये बैठा होता भी आगे, वो टाइम ही नहीं था कि बात करूं, नुमान जब कभी होता है बैठा तो वो नुमान फिर आगे शेयर कर देता है उसको, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और कामरान मशदी जो है वो भी एक अच्छे प्यारे से एक्टर है ये, जो आजकल अमरीका में मौजूद है। और कहते हैं कि शोभी भाई यूएसए से कैसे कॉल होगी, सर यूएसए से भी ऐसी कॉल होती है जैसी कॉल होती है यूएसए से, आप मिलाएंगे 0092 और उसके बाद फिर मिलाएंगे 999291 92 और उसके 9221 मिलाएंगे आप, ठीक है, उसके बाद फिर मिलाएंगे 111111100। वंस अगेन मैं आपको बताऊं कि 0092 1 000 111111100 ये आप करेंगे तो आप कॉल आ जाएगी और बिल्कुल हम आपसे बात हो सकेगी। देखते कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला था तुम्हारे, जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला, बैठो तो सही यार, हो जाए वैसे मेरा थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सा गुनगुना दे, थोड़ा सा गुनगुना, मैं क्या सुनाऊं, अच्छा कुछ भी गुनगुना नहीं, वैसे तो आपने बहुत सारे गाने गाए हैं तो आपको ये गाना अच्छा सा गा सकता है जी। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे। चले जी, गुनगुना दिया मैंने। इसके अलावा कोई और भी बहुत सारे गाने याद होंगे यार, अगर ये ड्रामे में आ जाए कि आपने हीरा ये अपने इस शॉर्ट में इस सीन में ये आपने चार, तो उस टाइम तो तफरी के अंदर कुछ भी निकल जाता ना, तो तफरी नहीं, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा जो रेंजर खड़ी है आपके सामने नहीं, रेंजर्स वाले बड़े प्यारे होते हैं, सना के हैं बेचारे मासूम, हमारी तमाम फोर्सेस को लोग हमें सुन रहे होते हैं, बेशक बेशक, और यकीनन हमारे, और मैं आपको बताऊं ज्यादातर लिसनर जो होते हैं ना वो यही होते हैं बिल्कुल फोर्सेस के। तो चले कुछ और सुना दें, कुछ और सुना दें, कोई चुटपला सा गाना, कोई कौन सा सुना, मुझे तो जहन में भी नहीं आ रहा, शोभी साहब आप ही बता, कोई सा भी सुना दे, मेहदी हसन का, नूरजहां का, माला का, नाहिद अख्तर का, ए विरसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छट जाना है जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वरदा, कदी साडा भी ते बन मेहमान, मैंने तोड़ दी तर्ज, बिल्कुल तोड़ दी, वाह क्या तोड़ी। अच्छा मैं आपको एक और सुना देती हूँ, अब देखिए धीरे धीरे अब जो हीरा खुल रही है वो जो है ना मेरे अंदर का एक सिंगर, अब वो सिंगर जो सिंगर वो जागना शुरू हो गया, एक हीरा जो, एक हीरा जो है वो सिंगर है, वो अब वो सिंगर हीरा जो वो निकल रही है जी। चले जी अब और कौन सा, मुझे पंजाबी गाने ना वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आती नहीं है पंजाबी इतनी अच्छी, जरा ठहर जा वे चोरी चोरी जान, हाय 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 जी। अच्छा जी और कौन सा है वैसे गाना, ठहर भी जाओ सनम रुक भी ते, तुमको मेरी कसम, वो था ना एक ऐसे लम्हे मेरे ख्याल, नहीं इसके अलावा और आप बताए ना, आप अपना कोई गाना बताए ताकि मैं आपके साथ कुछ रॉन्ग फील हो जाए कुछ, मैंने लाखों गाने गाए मुझे याद, ओह माय जी क्या बात कर दी आपने, लाखों गाने गाए हैं मैंने, मुझे याद नहीं रहता। अच्छा आजकल बड़े प्यारे गाने चल रहे हैं, मतलब कोई गाना क्या, कौन सा गाना गाए शोभी साहब आप मुझे, जो आपको याद हो कोई भी याद हो आप,
अली हैदर को सुना दें, अली जफर को सुना दें, बिल्लो सुना दें, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर जी। शाबाश 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 जी। जब तक चलो, जब तक हम बातचीत करते हैं, जब तक मीर आबिद हुसैन साहब कहते हैं भाई बातचीत करते हैं, मुझे कोई गाना याद है मैं अचानक से गाऊंगी। वो सभा कहती है कि वेरी नाइस हेरा आबी, थैंक यू सो वेरी मच, ग्रेट वॉइस। और कुछ सुनाए ना, वो एक नेहा ठक्कर का है ना, ठक्कर का है ना, कौन सा गाना है वो? कौन सा? आपने तो सुने होंगे, मुझे मुझे जहन में नहीं आ रहा है, मुझे बाकी नेहा के गाने। और अच्छा जी, फरीद हुसैन साहब जो है वो फरीद पब्लिश वो कहते सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, मुझे बस दो दो शेर आते हैं इसके, एक ही शेर आता है शायद, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ओ सोए माही किते रह गया। और बस पंजाबी गाने मुझे बहुत पसंद है, वो एक गाने बहुत पसंद है मुझे, रात को कोई भी नहीं। हाँ पता है मुझे, यकीन जाने मैं मचलती हूँ और मैं सीखूंगी। मेरी बहुत प्यारी बहन शाही है, शाजिया अनवर, और अनवर रफी साहब एक बहुत बड़ा नाम, उनकी वाइफ है और बहुत बड़े मौसीकार नजीर हुसैन साहब, उनकी बेटी हैं, उनसे मैं पंजाबी सीखूंगी। और मैंने कुछ जो थोड़ी बहुत सीखी है, बल्कि मान जाओ ना कि जो पंजाबी है वो बोलना ही मुझे उन्होंने अच्छा, सिखाई। अच्छा कैसे मान जाओ कि मैं जो बोली आपने जो डायलॉग्स आपके कुछ? अरे मैंने एक आपको बता तो दिया, मतलब फुल मूड के साथ। अरे अभी तो बताया था थोड़ा सा। तनु कराची वालों ने की पता कि दुध की आंदा है, मैं ते अपनी मज नाल लेके चलनी हां। ए सुनिया तुसी? तुसी सुने सुनिया? सुन ले, ये इनका डायलॉग है जो इन्होंने इनके फिल्म में, मुख्तलिफ डायलॉग होंगे उनमें से एक डायलॉग है, बड़ा मजे का डायलॉग था, बड़ा मजे का। लाजमी अच्छा, वो मूड जब होता है, जब शूट होता है तो उस वक्त बंदा पूरा एक माहौल बना होता है, वो तो फिर अलग ही बात होती है। तो ये अलग बात है कि मैं पर मैं तुसी सारे नो कहंगा कि अपनी मर्जी ले ना ले गई ना, तो किसी गड्डी में जगह मिलनी है तो ना किसी बस में, ना किसी टैक्सी, ना किसी उबर, ना किसी क्रीम में, कोई नहीं पाएगा। ये गल है। और जनाब क्या नहीं, वकार राजा कहते हैं हाँ हाँ, उन्होंने हंसे बार जोर से। रफी खान कहते हैं बोलो आंटी बोलो, हुई हुई हाय बोल दिया बोल दिया बोल और दिया। ये वाला सुना दे कि थे गया पिंड पिंड दिया, हाय इतने मुश्किल, प्लीज खुदा के वास्ते ना करें, मुझे वैसी पंजाबी नहीं आती। और उसके बाद जनाब फरीद भाई आपकी पसंद तो वैसे सुना दी इन्होंने भाई, ये देखिए ये तो बड़ी हाँ, देखिए मैंने अब मुझे थोड़ा गुनगुना दिया मैंने। सारे हाफिज थैंक यू वेरी मच भाई, आप हमें जो है आप ज्वाइन किया। और कोमल क्वीन कहती कि मिले हो तुम हमको, हाँ ये था भाई, हाँ, सुना दो फिर चले। थैंक यू कोमल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, सांसें मिली हैं करीबों के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है भाई, गुड भाई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बहुत कम सॉन्ग्स जो है ना वो सुनती हूँ, मुझे पुराने गाने और कुछ गजलें इस टाइप की चीजें है ना वो बड़ी, गुलाम अली साहब की और उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, और चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, और जो कुछ बड़ा बला है अल्लाह जानता है, धुआं बना के मुझे। अच्छा सारी मकबूल गजलें गीत सारे बड़े मकबूल हैं, अपने वक्त के बड़े मकबूल हैं, और अक्सर बेशतर मैं अपने प्रोग्राम में हेराई शामिल भी करता हूँ। मैं आपके ही प्रोग्राम में बहुत सुने हैं मैंने, ये गजलें तो मैं बस सुनती थी आपके, एक टाइम होता है हर चीज का तो वो बड़ा मजे का टाइम था। अच्छा फिर वो एक ही लाजमी वक्त अलग था, और अब फिर मसरूफियत, अब तुम्हारा मसरूफियत का दौर है, लाजमी बात है। हाँ ये है कि टाइम कम हो जाता है, लेकिन मैं जो हूँ FM बहुत सुना है मैंने, और मुझे अभी भी अगर मौका मिले तो बड़ा दिल चाहता है सुनने का। वो आप जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है ना, उतने ही लोग जो है ना अपनी इन चीजों से हटते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, FM वो चीज है कि रूह की गजा, और ये जुनून है। मैं आपको बताऊं, ये एक FM सुनने का भी एक जो है ना एक वो हो जाता है, क्रेज आपको हो जाता है, वो दिलाजी जब एक बहुत मजे का एक वो रह जाता है। ये मैंने चीज देखी है,
शुरू शुरू में यही था, हमारे बहुत सारे जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हीरा कि जो सालों से मुझे सुनते हुए आ रहे हैं, सालों से, मतलब वो पहले मैट्रिक में थे, अब उनके बच्चे मैट्रिक में। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप लोगों से बल्कि शेयर करना चाहूंगी, जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि मुझे इतना पसंद था एफएम कि एक टाइम पे आया था शाहीन टीवी, किसी को शायद याद हो, वो जिसका एंटीना निकला था और उसमें, जी बिल्कुल, और उसके अंदर ये सारे जितने भी आरजे हैं उन सबको देखना था। आप यकीन जाने मैं पागल हुई हुई थी कि वो शाहीन टीवी जल्दी से लग जाए और मैं देख लूं इन लोगों को। और जब फेसबुक पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो मैं सबसे पहले सबको ढूंढ रही थी, कौन 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 कौन। तो मैं आपको ये, मतलब मेरा एक ये रहा है, मुझे बड़ा शौक रहा आप लोगों को देखने का, कि मतलब इतनी प्यारी आवाज है, देखने का होता है ना कि मतलब कैसे हैं, किस तरह बोलते हैं, इतने अच्छे से, और इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है अपनी आवाज को, और लोगों के दिमाग में एक अलग एक छवि होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो जब एसपीटीवी का दौर था उस वक्त भी, मतलब मैं जब टीवी पे प्रोग्राम करता था, मैंने ड्रामा भी उस पर शुरू किया था, और उस वक्त मैं आपको बताऊँ फायजा हसन, बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो फायजा हसन जी, बिल्कुल, हाँ, ये जो नीलूफर की, जी जी, और ये बसरो नीलूफर, ये इसको पहली बार मैंने उस वक्त शाइन पी टीवी का, वो अभी भी इसकी तस्वीर में वैसे एक मौजूद पड़ी उस वक्त की, आपने बुलाया कि मैंने ड्रामे में इसको कास्ट किया था जो हम बना रहे थे ड्रामा। अच्छा। मगर फिर वो, मतलब वो काफी बन भी गया था, ऑन एयर नहीं गया था, मगर फिर वो हमारा चैनल उसके बाद बंद हो गया था। हाँ, वो पता नहीं क्यों बंद किया, लेकिन वो बड़ा मजे की चीज था। तो मैंने पहली बार, ये तो उस वक्त मॉडल थी, ये तो मतलब छोटे फैशन शोज वगैरह में मॉडल करती, तो पहली बार इसको मैंने, और उस वक्त एक टीवी एक्टर थी शाहरुख करके, एक थी उस वक्त शाहरुख होती थी उसको, और फिर हिना मलिक जो डांसर थी स्टेज पे डांस करती थी। अच्छा। वो इन तीन को मैंने अपने ड्रामे में, जो मेरी स्टोरी अपनी लिखी थी, उस तीन को, इन तीन को मैंने अपने उस ड्रामे में कास्ट किया था। और इसकी शूट जो मैंने इंडोर, मेरी शूट जो थी वो थी इशत हाशमी जो हमारी सीनियर एक्टर थी, जो थी वो जो बड़ी लड़ाका बनती थी, अल्लाह की मगफिरत करे, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी का जो फ्लैट यहाँ पीसीजे ब्लॉक 6 में था, और उनके जो शोहर वो भी ज्वेलर थे, और वो बहुत सारे ड्रामे उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, उनके उनके फ्लैट में, मेरी इंडोर शूटिंग में उनके फ्लैट पे करता था। अच्छा, तो ये क्यों नहीं गया, मतलब इन्होंने चैनल बंद कर दिया? वो अचानक असल में कुछ मसले हो गए थे, तो अचानक वो सब चीजें फिर अचानक बंद हो गया था, वो अचानक बंद हुआ था, वरना मैंने बहुत सारे उस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, जमशेद अंसारी साहब का इंटरव्यू किया मैंने, और वो मतलब ये प्रोग्राम मेरा ऐसा था कि जो आज आप देखते हैं एक दिन जियो के साथ ना, ये शो मैं उस वक्त कर चुका हूँ, मैं उस वक्त हरतान एक दीपक के नाम से शो पे आता था मेरा, ये हरतान दीपक के नाम से, जमशेद अंसारी साहब का आया, निसार बजमी साहब का इंटरव्यू मैंने किया, फिर इनका क्या नाम वो आबिद कश्मीरी जो है उनका मैंने इंटरव्यू किया, ऐसे बहुत सारे लोगों की, क्या रंगीला साहब का इंटरव्यू किया था, इसी तरह ये तमाम लोगों के इंटरव्यू मैंने टीवी के लिए किए थे खुद, और तो बहरहाल वो फिर वक्त के साथ साथ ही है। खैर बहरहाल हम कहीं से कहीं बात निकल के हीरा बैठी है, मैं अपने इंटरव्यू देने लगा। अरे नहीं, क्या बात है, आप मैं भी आपको सुन रही हूँ ना, ऐसी बात तो नहीं। और मायरा महक कहती है कि अच्छी बातें करने कर रहे हैं, और एक्ट्रेस की इज्जत करें, कदर करें, ये शान है हमारे पाकिस्तानी, बेशक और हमारे पाकिस्तानी बेशक ये शान रखते हैं, और वो बिल्कुल अपने जो एक्ट्रेस की, अपने फनकारों की इज्जत करना इसमें जरूरी है, बिल्कुल करते हैं, और सही कहा है मारिया। और उसके बाद सभा काविश, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल महानूर कहती है कि जिसे बोर लग रहा है वो जा सकता है, भाई किसको बोर लग रहा है, मेरे ख्याल किसी को बोर नहीं लग रहा यहाँ तो, खैर आपको पता वो पढ़ने में थोड़ा सा, सभा ने ये कहा था कि मैं बोर हो रही थी, और जब मैंने ये शो सुनना शुरू किया तो मेरी बोरियत दूर हो गई। अच्छा। और मैं, अच्छा ये वो मेरे ख्याल में जो वो थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, हाँ, हो सकता है, हाँ, वो फरहान अजीज पराचा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान अजीज, आपका बहुत शुक्रिया, और वेरी अच्छा, फरहान अजीज ने कहा है कि बाय वेयरिंग ए बोरिंग पीपल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान अजीज आपका, भाई आपको आई लव यू, आपके लिए बहुत सारा प्यार मेरा, कि कम से कम किसी ने तो नहीं, किसी ने तो ये सच कहा, मतलब एक आदमी ने सच तो कहा, कम से कम ये सच कहा इन्होंने, ये बिल्कुल सच, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये एक आदमी इतना सच्चा है, मैं आपके लिए लव यू भाई फरहान अजीज, खुश रहे, आबाद रहे,
लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको बड़ी खुशी होती है जब कोई आपको देख के कहे कि हम बोर हो रहे हैं। अच्छा मुझे एटलीस्ट आप देख तो रहे ना, मेरे प्रोग्राम सुनने होते हैं तो बहुत सारे कभी मैसेज आ जाते हैं कि आप एक घंटे से मैं आपको सुन रही हूँ, आप इतना प्रोग्राम बोर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आप एक घंटे से बाद आप ख्याल देख तो रहे, फिर एक घंटे का ख्याल है कि ये बोर था। भाई बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, क्या बात। तो भाई फौरन सोचो, शुक्र है आपने मैं जाने से पहले बता दिया। ये फरहान अजीज बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपकी मोहब्बतों का। यास्मी चाची हमें देख रही हैं, कलीम उस्मानी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कौमी अखबार के, तो कलीम भाई आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। समीर लोधी आपको भी वेलकम कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, कहते ग्रेट डे यार, जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू। और सारा हाफिज आपका बहुत शुक्रिया, कहती वेलकम, बोरिंग है प्रोग्राम, वाकई बोरिंग है, बिल्कुल सही हकीकत कहा, ये इतना बोरिंग है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं तो बस हम तो बोर हो के तकिया रख के लेटने वाले और सोने वाले, मैं सब क्या कर रहे हैं, क्या बताऊं। आसिम महमूद जो है वो बड़े हमारे टीवी आर्टिस्ट है, आसिम महमूद, आसिम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, मेरा एक प्रोजेक्ट में ये बेटा बना है आसिम महमूद। आसिम देख रहे भाई आपकी माई, बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा दोस्त। और उसके साथ साथ जो है फिर जनाब बाबर शाह बुखारी यूके में हमारे बड़े प्यारे से दोस्त है, हमारे एक्स कुलीग, वो हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई बाबर, लव यू आपके लिए। शेख अब्दुल रहीम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ जनाब फिर तानिया हसन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको वेलकम कहते हैं तानिया। और फिर उसके बाद साजिद अली कुरैशी साहब, सर आपको भी खुश आमदीद, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मायरा क्या कहती कि जिनको आप टीवी में एक्टिंग करते हुए देखते हैं और देखे प्लीज है, और ने प्लीज ऐसे ना कहें आप लोग, कोई बात नहीं, कहने थे भाई मायरा, उनका दिल है, उनकी राय है। देखिए कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें बुरे लगते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं हम सबके लिए अच्छे हों और जरूरी नहीं हम सबके लिए बुरे हों। बस 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 बिल्कुल सही बात है, देखिए सबको एक अपना हक है, उनको कि वो उनका राइट है, बिल्कुल जैसे लगे वो वैसे कहे। और एमडी कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम कहते हैं एमडी कुरैशी साहब आपको। हमजा अमजद कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम्माद अकबर आपको भी वेलकम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और कलीम उस्मानी साहब कहते हैं वेल डन, थैंक यू कलीम भाई, थैंक यू। जब्बार खान ज़्यादा ब्रो आप ही से बोलो के दिल दिया गल्ला सुना दें, मुझे नहीं आता की करिए। और आबिद साकी कहते हैं हाय अंकल कैसे हैं आप, अल्लाह शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, सलाम। और साबिरुल्ला दुबई से जी, दुबई, बहुत शुक्रिया साबिरुल्ला आपका, वालेकुम सलाम, थैंक यू। और यूं करते हैं हम चलते हैं लाइव कॉल पे, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कौन सा गाना, तेरे भीगे बदन की खुशबू से जी जी सुनाइए, आप सुनाइए थोड़ा सा, आप सुनाइए थोड़ा। हम तो बहुत फारिग गाने वाले लोग हैं, मैं मींस के मैं अजमल साहब तो माशाल्लाह, नहीं नहीं मैं भी एम ही हूँ भाई, एम ही जी जी, सुनाइए सुनाइए इरशाद जी भाई जी जी, जरूर जरूर जरूर। क्या शमीम को बुला रहे सुनाने, शमीम सुनाएगी। अच्छा अच्छा, वो सुनेंगे, ताली बजाएंगे जी। Well done. जी जी जी, जी, जी। नहीं सर, हम तो बड़े आपको बड़ा प्यारा, हम तो सुनने में मदहोश हो गए बिल्कुल, हमने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी सुनाए सुनाए, ओए ओए
वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ओ सजना ने बूया के चिकतन लई, चिकतन लई ओए चिकतन जी। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह म्यूजिक से लगता है कि काफी आपको लगाव है। और फिर मेट्रो कैब में जो आपके साथ होते होंगे वो तो बड़ा एंजॉय करते होंगे, जब कोई अगर मूड वाला मिल जाता होगा तो, जो मतलब जो पैसेंजर साथ जाते हो अगर कोई मूड वाला मिल जाए और लॉन्ग रूट वाला मिल जाए तो बड़ा एंजॉय करते होंगे फिर तो आप। चले अच्छी बात है, बस सब लग हमारी बहुत सारी दुआएं आपके, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ है, ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। चलते हैं एक और कॉलर के वाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ओए होए क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, नहीं नहीं उनका हक है, बिल्कुल नहीं उनको हक है उन चलिए ये बात भी ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, होता है इस तरह, तो होता है इस तरह के। अरे लेकिन उन्होंने हो सकता है वो सुना हुआ बोल के लब आजाद है तेरे। अरे आपकी मोहब्बत चले जी, चले जी। जी जरूर 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 जी बिल्कुल। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ओए अल्लाह, इतनी मोहब्बत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। जज़ाक हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती। हाय हाय देखें कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँ। जी जी बिल्कुल, आप अर्ज कीजिए, हम फर्ज करते हैं। हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती, मैं क्या करूँ मुझे आदत है मुस्कुराने की। ओए होए होए, ये उनके लिए जो इस प्रोग्राम को बोर कह रहे हैं, बोर कह रहे हैं। तो चलते हम अपने एक और कॉलर के पास, और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी जनाब, आपका नाम? हेलो, अल्लाह का शुक्र आप ठीक है खैरियत से जी। बिलाल जानी जी कैसे जानी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिलाल जानी के मैसेज आते रहते बिल्कुल, और आज जानी हमारे सामने मौजूद है। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल 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 सही सही सही। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मुझे याद आ गया, बिल्कुल मुझे याद आ गया जी, जरूर 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 जरूर। ओहो वाह 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 वाह, जबरदस्त।
वाह 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 जी वाह, बहुत खूब, वाह से वाह वाह से। इस तरह की है ये। हाँ मैं अच्छा, मेरी तरफ से आपकी वाइफ को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सलाम। तू सब कितो क्या जी बोले थे बेबी या अच्छा अच्छा चलो चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हा हा, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, देख ले पाकिस्तान रेंजर्स आ गए भाई, आ गई कॉल। हाँ भाई बहुत शुक्रिया। हाँ ये मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये कह रही थी सब कुछ। अरे थैंक यू सो वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम जी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपको भी अपनी अमान में रखे। जजाकल्ला जजाकल्ला, बस हमारे दुआएं बहुत सारी, अल्लाह ताला आपके साथ साथ जितने लोग हैं सबको अपनी अमान में रखे, अपनी अमान में रखे, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच, देख लो उन्होंने सुन लिया ना, ये आपकी बात सुन के आया हूं मैं आपको बता रही हूं। और चलते हैं अपने एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम, नाम था भला सा, भला सा। वाह जी वाह जी वाह 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 जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अरे सर हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, चलता है दुनिया है, ऐसा सब कुछ दुनिया में होता है। अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। देखिए जी पेशेंट भाई हो गई है। अरे यार हाँ ये पंजाबी अच्छा गाती हूँ मैं, ये है बस, लेकिन अफसोस ये सीखनी पड़ेगी, सीख लेंगे इंशाल्लाह, ये जरूरी है इनके लिए, अगर इनको सिंगर बनना है तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ये सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की। इसीलिए और गाएंगी ज्यादा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया। उर्दू गाने के मैंने सुनाया था, खुदा करे सर ये तो मैं पश्तो भी गाती वैसे। मेरे ससुराल पिशावर से कॉल आना शुरू हो जाएगी, आपको पता है। देख ले मेरी ससुराल जो है वो पिशावर से है। देख ले देख ले, हमने कहा कि दूर की, हमने दूर की कह दी, बहुत दूर की कह दी आपने। देख ले पहुंच गई बात, बात चेक निकली, अब देखे कहां तक पहुंचे। और अब हम चलते हैं, कुछ और मैसेज शामिल करते हैं जनाब, और ना आपने, और उसके साथ साथ जनाब यूं करते हैं के 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 वक्त जो है वो 2:38 हो चुके हैं, और तो हम सोच कब तक जाएंगे वापस। हाँ बस अब हम जाने वाले होंगे अभी, क्या अभी का, अरे तो टाइम अभी है, अभी तो हम आए, दिल तो चाह रहा है कि आप लोगों से बातें करते रहे, सिलसिला चलता रहे, अभी बैठे हैं, अभी दामन संभाला है, तो हमारी जाओ जो कैसे हो सकती है, हम तो अभी थोड़ी जाएंगे, अरे ये तो हम तो अभी नहीं, बल्कि हम तो अभी जो है वो जाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम अभी जाते हैं आबिस रजा के पास, आबिस से कुछ बात करते हैं, और आबिस से कुछ आपके बारे में कुछ पता करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आपने उसको कितना तंग किया था। थोड़ा सा बड़ा मजे का सीन, मैं सोच रहा हूँ कि ये आबिस जो है वो, अगर आबिस मुझे सुन रहे होंगे तो आबिस बिल्कुल आपने जो है वो कॉल उठानी है, और बिल्कुल हम जो है वो आबिस से भी देखते हैं, बात करते हैं, और आबिस आप मुझे अगर सुन रहे होंगे तो जरूर आप मुझे जो है वो बिल्कुल आप कॉल उठाएंगे और बात करेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ अभी।
जी जनाब, बल जारी आप इसके पास हमारी। और उठाना चाहिए कॉल, आप इसको क्या ख्याल आता है? अगर सो ना रहे हो कि टाइम जरा थोड़ा, ये कोई टाइम है सोने का इसके यार? ढाई बजे, ये कोई टाइम है सोने का यार? इसको उठाना चाहिए बिल्कुल। मैं भी बेल बजाऊंगा जब तक ये उठ नहीं जाता। हेलो हेलो जी, कॉल बंद हो गई है जी, दोबारा फिर ट्राई करते हैं। ओए मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, आज आबिद साहब जी बिल्कुल, आबिद साहब को मैं कॉल कर रहा हूँ और आबिद देखें अल्लाह करे कॉल उठा लें, शरीफ आदमी वैसे तो ये बिल्कुल, ये बात इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा शक नहीं है और बड़ा शरीफ आदमी चाह रहा है, और देखते हैं कि अगर ये कॉल चुक लेगा तो जरूर जो है इसको उठाना चाहिए कॉल। यार नींद ज्यादा अच्छी नहीं होती, ज्यादा सोना अच्छा नहीं होता आदमी को। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है आबिद सो रहे होंगे इस वक्त। यार फिल्म इस वक्त जो फिल्म रिलीज हुई है और इस ये सो रहे हैं, इस फिल्म को 2 तारीख को रिलीज हो चुकी है तो अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ उसको, इसको जागना चाहिए अभी तो। इसको जाग जाग के लोगों से पूछना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में वो जो है वो सो रहे होंगे, क्योंकि वो कॉल जो है कॉल पिक नहीं हो रही है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, खुद जो ये कहते ना, खुद ही एक पूरा मजमूआ कलाम है हमारे सामने, जो हमारे साथ बैठी हीरा शेख की मजमूआ कलाम है, और आप इस कॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो यूं करें, अगर हो तो जवेरिया, अगर वो सब सो रहे होंगे तो जाग रहे तो कॉल करें, बात देखिए किसी को सब देखें, ट्राई करें जरा, अच्छा ना जरा से थोड़ी गपशप हो जाए उनसे भी। और उसके साथ साथ जो है वो अच्छा, प्रीति नसीन हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमें सुन रही है तो कहती गेस्ट को भी जो है वो प्रीति नसीन का सलाम, और उन तक भी आपका सलाम हमें पहुंचा दिए प्रीति, और थैंक यू वेरी मच कि आप भी हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं। और उसके साथ साथ जो है वो नौमान हमारे साथ मौजूद है, नौमान के बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उजैर तारिक जो हमें देख रहे हैं, उजैर तारिक आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बेटा, और इस वक्त तो वो सब सो रहे होंगे। हाँ सो रहे होंगे, देख रहे हो सकता है हाँ। वैसे अमूमन तो वैसे जागरे होते हैं, हाँ अमूमन तो वैसे जागरे होते हैं, मगर फिर भी ट्राई करने में कोई हट नहीं, अगर किसी से हमारी बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और वक्त जो है वो 2:40 हो चुके हैं, और वक्त हमारे प्रोग्राम का जो है वैसे तो 3 बजे तक है, मगर देखते हैं मूड के हिसाब से चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया है ना, मूड चलता आगे कर कर, और मूड से आगे भी जा सकते हैं। हां बिल्कुल चलें, ये तो अच्छा, जब गेस्ट हमारे साथ होते हैं और फिर हमारे लिसनर्स हमारे व्यूअर्स हमारे साथ होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहां तक थोड़ा सा आगे जा सकते हैं तो हम जाएं। अच्छा फर्रुख फहीद इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके पास कुछ पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी चैनल पर हिंदुस्तानी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, ये आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? आप ये आपने, मैं कसम से पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। नहीं ये जो है ये मुंबई से आई है, ये इनका जहाज जो बाहर खड़ा हुआ है और ऐसे प्रोग्राम करते हुए फौरन मुंबई वापस जाएंगी, ये तो ये पाकिस्तान जैक मंगाया हुआ है मैंने, इनके पास पाकिस्तानी कोई, ये पाकिस्तानी नहीं है, इनका नाम जो है वो क्या है आपका नाम? शोभा, क्योंकि इस बात पे मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। और कासिम सिंगर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप ठीक ठाक हैं? और हुमा कहती है मान जाओ ना पार्ट 2 में कौन सा करेक्टर करना पसंद करेंगी, मान जाओ ना पार्ट 2, अगर पार्ट 2 बने तो जो कैरेक्टर होगा जाहिर सी बात है वही कैरेक्टर चलेगा दूसरा के साथ। अगर देखिए ना, हाँ ये तो हुमा की बात वही है कि अगर वो पार्ट 2 बन रहा है उसका, अगर सेकंड उसका आ रहा है तो उसमें तो कैरेक्टर तो वही आगे मूव करेगा, कैरेक्टर तो वही रहेगा ना, कैरेक्टर तो नहीं जा सकता, कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता वो। और दूसरा बनेगा इंशाल्लाह, और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनेगा इंशाल्लाह। चंगी काले तुसी दुआ करते रहो बह के, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला रहेगा हमारा। सैयद बिलाल शाह कहते कि मैं मिस नाइस ड्रेस ग्रीन, अरे थैंक यू सो वेरी मच, ये पहला बंदा है जिसने आपके ड्रेस की तारीफ कर दी, थैंक यू सो वेरी मच भाई, बड़ी बात है भाई। और सैयद अब्दुल्ला अजीज कहते हैं क्या हो रहा है, बस अच्छा। यही हो रहा है अभी आजकल तो जी, अभी तो हम अभी फिलहाल आपसे बात हो रही है, नहीं अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भुट्टे भून रहे थे, अच्छा। और अब इंशाल्लाह जो इसके बाद अभी कोरमा बनने दिए, कोरमा जैसे आता है तो फिर इंशाल्लाह रोटी पक्के हम जो रोटी सप्लाई शुरू करेंगे अभी, आप टेंशन नहीं ले, बिल्कुल यही कर रहे हैं, और इस वक्त और कोई काम भी नहीं हमारे पास। और इर्तिजाब मलिक कहते हैं यू बोथ आर लुकिंग नाइस, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद जमील खान कहते हैं शोभी भाई मैंने आपकी तारीफ में एक कमेंट किया था लेकिन बहुत बिजी थे, आपने नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए था,
मैं जी अभी ढूंढता हूँ, लभता हूँ कहाँ पर है, मैं उसको पढ़ लूंगा। बहुत मोहब्बत आपकी जी। वो बिल्कुल आ गया जो कमेंट्स आपने दिया, वो कमेंट्स आपका है कि शोभी भाई जब एफएम स्टार्ट हुआ था तब आपके साथ आपकी तरह ही आपके एक साथी एंकर थे, उनका नाम बता सकते हैं? अबू राशिद? नहीं नहीं, अबू राशिद हमारे यहाँ थे नहीं कभी, बिल्कुल आसिफ गजाली साहब, आसिफ गजाली, आसिफ गजाली साहब हमारे साथ थे और बहुत सारे एंकर थे हमारे साथ शुरू शुरू में, हमारे साथ वो मेल फीमेल बहुत सारे एंकर थे जो स्टार्ट में, जब 95 में हमने स्टार्ट किया बिल्कुल। और यही आपने कमेंट्स किया था, कोई और भी कमेंट्स किया था जमील साहब आपने? मुझे तो ये कमेंट्स, फर्रुख वहीद कहते हैं पाकिस्तान म्यूजिक एंड सॉन्ग आर नॉट सो बैड दैट यू यूज इंडियन म्यूजिक। मगर कहाँ इंडियन म्यूजिक यार, मुझे बता देते भाई, हमने गुनगुनाया थोड़ा सा इंडियन म्यूजिक भाई, हमने तो जब से बैठे हैं यार, हमने तो एक इंडियन गाना नहीं चलाया यार किसम से, तो पता नहीं कहाँ से आपने कहाँ सुन लिया भाई। ओ भाई ओ भाई। और शम्स भट्टी साहब कहते हैं सलाम वालेकुम, सलाम शम्स भट्टी साहब, हम्माद अकबर आपका बहुत शुक्रिया आप हमें देख रहे हैं, साजिद सदीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मानूर आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और सबा काविश सॉरी मायरा मायरा, अच्छा आपने मारिया लिख दिया होगा शायद इसलिए फिर मारिया मायरा। अच्छा ये भी जब मायरा जो है वो मेरे साथ जब प्रोग्राम में थी उस वक्त मुझे भी बड़े मुगालते हो रहे थे, कभी मायरा कभी मारिया, कभी मायरा कभी मारिया ये, और मायरा जो बार बार मुझे कहती थी मारिया नहीं मायरा मेरा नाम, मायरा मेरा नाम है। तो ये उस वक्त मुझे भी बड़ा मुगालता रहा। फहीम आजम साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं और इनके साथ एक छोटा सा मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो फहीम आजम ने बहुत सारी दुआएं और लव यू, और उसके साथ साथ जनाब फिर नौमान थैंक यू, असमा खान एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारी, और आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ असमा, कैसी हैं आप, ठीक ठाक के खरीद से। अमारा जैन का मैसेज है आपकी न्यू मूवी का इंतजार रहेगा हमें, हाय इंतजार खत्म हो चुका है, 2 फरवरी को रिलीज हो चुकी है, मान जाओ ना, और जो नहीं माने उससे जाके कहें प्लीज मान जाओ और उसको अपने साथ जाके मूवी दिखाएं तो वो बिल्कुल मान जाएंगे, प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना। हाय हाय हाय, देखो कितने प्यार से कह रही है मान जाओ ना, मान जाओ ना, और आखिर में फिर होगा नहीं मानेगी तो मान जाओ ना, नहीं तो बाहर निकलो, कुछ नहीं है तेनु में फिर तो। खैर हमारा जहन के वैसे वसी शादियों में इंडियन गाना चलते हैं, वैसे शादी, ये तो दी बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे शादियों में इंडियन गाने चला रहे होते मगर यहाँ इंडियन गाने सुनने को तैयार नहीं होते। मैं वैसे, अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर आप पाकिस्तानी लगाना शुरू कर देंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 110% श्योर हूँ मैं कि वो बंदा जो भी होगा ना जिन्होंने कहा था वो कहेंगे यार क्या बोर शो कर दिया, क्योंकि हमारी आवाम किसी हाल में सुकून में नहीं है, कॉन्टेंट उसको इंडियन ही पसंद आता है मैं आपको बताऊं, और बस वो आके कुछ कीड़े निकालने वाली बात होती है प्रोग्राम में। नहीं पता, मैं वैसे मैं बताऊं कि मैं अपने प्रोग्राम में एक नहीं बहुत अच्छे से, मतलब कई साल हो गए इस बात को कि मैं अपने प्रोग्राम में वैसे पाकिस्तानी म्यूजिक ज्यादा लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नहीं लगाते ही पाकिस्तानी म्यूजिक को मैं, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी म्यूजिक, हत्ता कि मेरे साथ जब लोग आते सिंगर्स आते हैं कुछ आते तो मैं उनको जब कहते हैं शोभी भाई ये मैंने नहीं इंडियन बिल्कुल नहीं, आप पाकिस्तानी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक गा सकते हैं तो आप आ जाए, नहीं गा सकते तो आई एम सो सॉरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने मना किया जो कहते हैं पाकिस्तानी गाने याद नहीं है मुझे, नहीं 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 ये तो एक ये तो बहुत बदतमीजी वाली बात है, नहीं लेकर आता बिल्कुल ये, मगर फर्रुख वहीद साहब को पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसा नजर आ गया, नहीं पता है मैंने गुनगुनाया और वो भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे वो अच्छा लगता है गाना, खैर अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए बहुत माजरत आपसे। और डॉक्टर रेहान मुस्तफा राठौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कैसे डॉक्टर रेहान आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है वो आपको भी किसी प्रोग्राम में मैं बुलाऊंगा और आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी। और बिलाल जानी कहते हैं हेलो सर लुकिंग गुड यू बोथ, बहुत मजा आ रहा है और शो देखने में सर, 3 बजे जाइए मत जाइएगा, अल्लाह आपने कह दिया नहीं जाएंगे, चलो डन हो गया। इंतजाम अली कहते हैं असल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी देर से लाइन में आई है और बॉलीवुड हमसे पहले लाइन पर थी, मगर मैं लेकिन इंशाल्लाह देखें बहुत आला उरूज पे जाने वाली इंडस्ट्री, और अभी देखें जब इंडस्ट्री हमारी दोबारा रिवाइव हुई है ना, तो आप देखें इसके बाद देखें कितनी, मतलब ये नहीं 2, 4, 5, 10 नहीं बल्कि कितनी फिल्में आ चुकी हैं, ये देखें मतलब हमारी नई जनरेशन जो काम कर रही है वो नो डाउट की मेहनत कर रही है, मेहनत कर रहे हैं और नजर आ रहा है, और आज हमारी फिल्म जो है आज के दौर में देखें हमारी फिल्म जो है वो करोड़ों तक पहुंच गई,
करोड़ तक बिल्कुल वो जो मेरी मूवी ने बिजनेस कर रही है माशाल्लाह उसको लगे अभी चार दिन हुए हैं और 1.3 करोड़ का बिजनेस कर लिया है बल्कि से ज्यादा ये तो मेरे दो दिन पहले की रिपोर्ट ये कल तक की कल तक की रिपोर्ट थी तो अब आप देखें माशाल्लाह आप लोग जाएं जरूर आप ये देखें मतलब ये देखें ये हमारा म्यूजिक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जब रिवाइव हुई है तो कहां तक पहुंची लोगों को एक नया ट्रेंड मिला है मिला और ये धीरे धीरे अब ये थोड़ा एस्टेब्लिश हो रहा है ना ये चीज टाइम लगता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फिर यकीनन हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें होना चाहिए एटलीस्ट हम उससे तो हटे ना कि वो मुल्ला गुज्जर और ये एक मुल्ला जट वो हम एक अपने प्रॉपर तरीके से आए मूवी पंजाबी भी हमारी यहाँ चलेगी सही है ना अब हमारी उर्दू भी चलेगी मतलब हर चीज को लेके आप आगे जा रहे हैं और इस चीज को आप लोग प्रमोट करेंगे आप लोग प्रमोट करेंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिनेमास को आबाद करेंगे तो ही ये काम और ज्यादा आगे जा सकता है उसके बगैर हो भी नहीं सकता जब तक कि कहते हैं अगर व्यूअर नहीं होंगे देखने वाले नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल उसके अप्रिशिएट करने वाले नहीं होंगे तो वो काम कैसे आगे बढ़ेगा और फिर वो यकीनन वहीं से वहीं उदब जाता है वो जब तक कि हम उसको अप्रिशिएट ना करें अब हमारी इस नए दौर के साथ हमारी नई मूवी नई इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना है और हमें यकीनन इसको सपोर्ट करना है जब सपोर्ट करेंगे जब भी हम कह सकते हैं कि हमारा म्यूजिक हमारी इंडस्ट्री अब दोबारा फिर रिवाइव हो चुकी है मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँ मान जाना के हवाले से कि मान जाना की मूवी तो अच्छी है ही है माशाल्लाह जो इसके सॉन्ग्स हैं सुपर डुपर हिट होने वाले हैं वो वैसे हैं वो और लेकिन मुझे इतना अंदाजा है क्योंकि माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारा काम हुआ है बहुत अच्छे से वो गाने जो हैं वो उन्होंने एडिट हुए हैं बहुत अच्छे से गाया है उसको बहुत अच्छी शायरी है तो आपको कौन सा गाना मतलब मान जाओ का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है मान जाओ ना कि तो बहुत सारे गाने हैं वैसे बिजली फैली है वो तो आगे उन्होंने कट ही कर दिया बड़ा जरा थोड़ा सा इशू आया था तो वो मूवी से थोड़ा हट गया है लेकिन उसके अलावा हमारा वो वेडिंग सॉन्ग था कौन सा बल्ले बल्ले निटोर पंजाबन दी उसके ऊपर था बड़ा मजे का एक बार घोड़ी चढ़ जाएगा वो बड़े मजे का था मान जाओ ना का रंग रंग लगा वो कैंडी क्रश का रंग लगा तो बड़े मजे मजे के गाने हैं प्यार 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 बड़े मजे का गाना है मैं आपको यूं करता हूं जब आपने कहा है तो मैं आपको रंग लगा सुनवाता हूं फिर रंग लगा इसका एक और गाना भी है कौन सा वो जरूर लगाएं मैं आपको बल्कि कहता हूं इसका एक बारिश का गाना है आप इसके गाने देखें कौन सा इसमें एक सम से आई एम सुजी नो इश्क बेकार नहीं दिल बेसब्रा चल पड़ा दिल बेसब्रा चले दिल बहुत बेसब्रा। प्यारा गाना है ये सुनिए चले ये किस पे पिक्चराइज हुआ है क्या है ये नास पे है नास पे आप देखें सुने और बड़ा मजे का चले जी हम जो है वो मान जाओ का मान जाओ ना मान जाओ ना मान गए जी मान आप लोग भी मान जाए जो कह रहे हैं बोर हो रहा है प्लीज आके देखे ना क्या तफरियां हो रही है हाँ जी जनाब ये था कैसा लगा आपको ये गाना बड़ा खूबसूरत ट्रैक था ये और इसके बाद जो है एक चल पड़ा बाय आसिम अजहर जी देखा इसको साथ के साथ चलाने साथ के साथ चलाएं बीच में चलाएं थोड़ी देर बाद चल इसको थोड़ा सा सुरूर इस गाने का रह जाए दिल बेसब्रे का और सबा काविश कहती FM 100 में पाकिस्तान में जब थी बहुत सुनती थी और आज काफी टाइम के बाद सुना है बहुत ही एंजॉय किया मैंने थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सबा थैंक यू देखे पे पुरानी यादें ताजा हुई आज आपकी ना ये तो कितनी मजे की बात है ना ये कि और उसके बाद अयाज अहमद हमें मैं कह रहे सुन के सुपर और सैयद अब्दुल्ला अजीज कहते हैं क्या कहते हैं भाई हंस रहे ही क्यों हंस रहे वजह हंसने की वजह बताएं मानूर कहती हैं कि फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ग्रेट शो थैंक यू मानूर आई होप कि आप इंजॉय कर रही होंगी और उम्मीद ही करता हूँ कि आप इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम भी हमारा साथ देंगे जरूर हमारे साथ रहेंगे और जावेद अहमद कहते हैं तुम यू माइक्रोफोन ऑफ हम आपकी बातें सुन रहे कैन हियर नहीं तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमारा देखें आप बिल्कुल क्योंकि हमारा माइक्रोफोन ऑफ है मगर ये जो जहां से वीडियो आप तक पहुंची ये ऑफ नहीं है ये ऑन है तो मोबाइल के जरिए आपको आवाज जा रही है हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है लाइव शो हमारा ये है बिल्कुल और वीडियो पर लाइव चल रहा है वीडियो पर थोड़ा हमने पॉज किया इसको बिल्कुल वीडियो लाइव जा रही है सिर्फ माइक्रोफोन हमारा ऑफ है ये कौन कहते हैं कि आपके फोन की स्क्रीन टूटी हुई है नो इट्स अ प्रोटेक्टर टूटा हुआ है
अच्छा कहाँ आप सोचेंगे टाइम भी नहीं है, आप ये देखें मेरे फोन में, आप प्लीज देखें ना कैसा, आप ये सोचेंगे हम कितने मसरूफ लोग होते हैं, बहुत मसरूफ लोग होते हैं बेचारे, देखा आपने देखा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। अली अहमद हमें ज्वाइन किया था, लुकिंग ऑसम, बहुत थैंक यू। और इंजीनियर वारिस अली कहते हैं आज बहुत दिन बाद FM सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और वारिस फ्रॉम अबू दुबई। और उसके बाद नौमान आरजी नौमान कहते हैं रंग लागा चलाइए, जरूर जरूर रंग लागा चलाइए, जरा थोड़ा शुरू है ना फिर हम चलाएंगे, बेटे ने मेरी फरमाइश की तो चलाना पड़ेगा, अब तो चलाना ये चलेगा, तो बस चलेगा देख ले, तो चलेगा बिल्कुल चलेगा नौमान, खुश हो जाए। और वैसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी फिल्म के गाने हिट सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। आप देखिए आपके लिए गाने स्पेशली मैं अलग से लेकर आया हूँ, देखिए जरा, थैंक यू सो वेरी मच रोबिजा। तो आप यूं करते हैं कि रंग लागा हम लगा ही देते हैं भाई। जब इतनी डिमांड आ रही है तो बस अब रंग लगा, रंग लागा, अरे रंग लागा, रंग लागा, अरे रंग लागा। और रंग लागा बाय आसिम अज़हर है। जब गेम चला था ये भी इसमें आ गया, देखें आप जरा कैंडी क्रश के सारे रंग जो है वही लग गए, कैंडी क्रश के रंग लगे।
और जनाब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त फहद भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो कि ऊबर, वैसे ऊबर पर होते हैं, ऊबर चलाते हैं वो, और एक दो बार उनसे हमारी मुलाकात भी। फहद आपको वेलकम कहता हूँ मैं, आई होप कि आप इंजॉय करोगे हमारे प्रोग्राम में। फरीद भाई क्या करें यार, आप आज के प्रोग्राम में तो ऐसा ही म्यूजिक है, ये भी असली में इसलिए कि आप माशाल्लाह पुराना म्यूजिक पसंद करते हैं। आज ये म्यूजिक हमने आपको ये दो गाने इसलिए सुनाए, पूरे तीन घंटे में यार आपको दो गाने अगर सुना दिए हमने तो कौन सी बड़ी बात है यार। और ये गाने इसलिए कि ये अभी नई फिल्म है, मान जाओ ना, तो आप लोग मान जाएं और प्लीज देखें, और प्लीज मान जाओ ना। और उसके बाद नौमान, आरजे नौमान कहते हैं कि क्या कहते हैं जनाब, आरजे नौमान कहते हैं कि आसिम इज ऑलवेज माई फेवरेट एंड आई वॉज ऑल्सो देयर ऑन शूट ऑफ दिस सॉन्ग। अच्छा, नौमान वहाँ मौजूद था जब, मुझे पता है इन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, और एंड द शूट लोकेटेड टुवर्ड हॉक्स बे। चले जनाब, ये असल में ये जब ये उस दिन प्रीमियर पे भी मौजूद थे, प्रीमियर पे भी थे और ये शूट पे भी वहाँ गए हुए थे, पूरा वो सेट वेटअप लग रहा था और ये वहाँ गए हुए थे वो लोग अपने दोस्तों के साथ, वहाँ गए थे। और ये लाइव मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और उसके साथ जो है वो जनाब इंजीनियर वारिस अली कहते हैं माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है और आज वो पाकिस्तान के दिन याद आ गए, सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे एफएम सुनना, मिस यू पाकिस्तान। देखे फारिस साहब, अब वहाँ जाके कदर होती है इंसान को, यहाँ वहाँ जाके पता चलता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान पता है? पाकिस्तान है जी, आपको पता है इंडिया में अभी यूपी में एक वहाँ पे हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का फसाद, तो आज मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि हमें मोहम्मद अली जिना जैसा लीडर दिया, कायद आजम जैसा लीडर मिला, और उन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं और इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। बेशक 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 बेशक। और जनाब वक्त 3:05 हो चुके हैं और हम मौजूद हैं, हम अभी भी देखने मौजूद हैं और 3 के बाद मौजूद हैं। लाइव कॉल 111111100 पर आपकी कॉल हम ले सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। फैसल वाहिद खान कहते हैं ग्रेट वर्क गाइज, थैंक यू वेरी मच फैसल वाहिद खान। और उसके साथ साथ जनाब अली अहमद का मैसेज क्या है, जनाब अली अहमद कहते हैं कि आपको देख के इंडिपेंडेंस डे याद आ गया है आपके। अरे जी, लेकिन ये देखें ये गलत बात आपने की, हमारे झंडे का कलर जो है ना वो ग्रीन और ब्लैक नहीं है, ग्रीन एंड व्हाइट है। ये क्या बदतमीजी है, मतलब आप, अच्छा ये बड़ा एक वो है कि अगर आप येलो और ब्लैक को पहन लें तो आपको टैक्सी अरे यार हाँ, और उसके बाद जब आप उसको क्या कहते हैं आप ग्रीन वेयर कर लें तो इंडिपेंडेंट, चले कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, हम आजाद कौम है। बस 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 बिल्कुल, ये आज़ाद कौम है बिल्कुल, और आज़ाद रहेंगे और आज़ादी के साथ हम जिएंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान और हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान और हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब 3:06 हो चुके हैं, कुछ आखिर में क्या कहना चाहेंगे हमारे मेहमानों को, क्या कहना चाहेंगे कुछ हमारे उन दो लोगों को, उन नए आने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपके अंदर वो अच्छे स्किल्स होने चाहिए जो कि आप जिसमें आप आना चाह रहे हैं। एक आपको एक्टिंग में अगर आना चाह रहे हैं तो एक्टिंग के हवाले से आपको हावना होनी चाहिए। और फिर मैं बार बार वही बात कहूँगी कि फ़नकार कोई भी हो तो वो पैदाइशी फ़नकार होता है, उसमें टैलेंट पहले से मौजूद होता है, तो जो टैलेंट आप में लगता है आपको मौजूद है उस टैलेंट को ज़रूर आगे पहुँचाएँ और उसमें आगे बढ़ें और कोशिश करें जो आप चाहते हैं वो बन के दिखाएँ। और बहुत एक प्यारी बात है कि इंसान गरीब पैदा जरूर होता है लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो वो उसकी अपनी वजह से, तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाएं कि दुनिया आपको सलाम करे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने भाई, आज तो पढ़े लिखे वाली बात कर दी। हाँ, एक दो जमात तो मैंने भी पढ़ी है। गुड भाई, गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बात है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए, कभी कभी पढ़ भी लेना चाहिए, लिखना बेशक ना आए, लिखना आए ना आए, आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के बगैर तो जिंदगी फिर कहते बिल्कुल बेकार है, आदमी कोई लव लेटर आ जाए तो कैसे पढ़ेगा, किसी से तो पढ़वा नहीं सकता, लिखे बेशक नहीं, पढ़वा तो ले, पढ़ तो ले खुद कम से कम। तो खैर बहरहाल, अब इसके साथ ही जो है हिरा, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, जल्दी शॉर्टकट में बताएं। इन फ्यूचर बस यही है कि अच्छे से काम करना है, आपके सामने अभी मजीद और कुछ करके दिखाना है, और बस
इसी तरह जिंदगी गुजारनी है. आप दुआ करें कि परवरदिगार इसी तरह इज्जत के साथ आगे मकाम अता फरमाए. जरूर, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और उसके साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं कि आप आई और बड़ा अच्छा लगा और वाकई बड़ा अच्छा प्रोग्राम और बहुत एंजॉय किया, बड़ी अच्छी गपशप. मैं आपको बताऊं, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा क्योंकि सम टाइम आप जाते हैं वहाँ एक नॉर्मली सा कमेंट है वो लोग उठते हुए कहते हैं नहीं यार बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल कोई इसमें कबाहत नहीं मुझे कहते हुए कि वाकई आपका शो बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत मजा आया और इतना प्यार करते हैं आप लोग, आपके लिए बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं और इतना प्यार देते हैं जिसकी हमें वाकई बहुत जरूरत है. बेशक, और तमाम सुनने वालों को बताऊं कि हीरा ने जब आने से पहले मुझे अभी जब कॉल हुई रात को बात हुई मेरी, कहने की प्रोग्राम का शोरी साहब फॉर्मेट क्या है, क्या मतलब क्या फॉर्मेट होगा, क्या किस तरह क्या होगा, तो मैंने कहा कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई हम बैठ के लाइव चैट हमारी गपशप होगी, हंसी मजाक होगा, लाइव कॉल होगी और जस्ट लाइक एक अपनी गैदरिंग होगी और वही गैदरिंग आपने देखा कि बिल्कुल वही है. मतलब जब हमारे मेहमान होते हैं तो बिल्कुल हम हमारा क्योंकि मतलब कोई बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं, एक फैमिली शो है. बिल्कुल हमारी आवाज जो रेडियो पर लोग सुन रहे हैं उन तक भी यही आवाज जा रही है, जो वीडियो पर देख रहे हैं उनके लिए उनके सामने वो देख रहे हैं कि हमारी एक बॉडी हमारी लैंग्वेज वो उनके सामने जा रही है. तो ये बिल्कुल सामने बिल्कुल लाइव चैट का शो है, कोई इसमें बनावट नहीं है, कोई ये नहीं ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, जो मर्जी बोले, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक फैमिली घर में जैसे बैठ के इंसान अपनी गैदरिंग में अपने दोस्तों बैठ के गपशप करते हैं, वही हमारा तरीका है और वही हमारा हमेशा से तरीका है, वही इंशाल्लाह रहेगा क्योंकि एफएम मंडी पाकिस्तान फैमिली रेडियो स्टेशन है. बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली को साथ, फैमिली को साथ लेकर चलते हैं. बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब ने बहुत वक्त दिया, दुनिया में जहां कहीं भी आप लोग मौजूद है, स्पेन में, यूएसए में, जमाल सदीकी साहब भी हमें देख रहे थे तो उनके लिए भी और असलम शाह साहब मैं जाते जाते आपके वालिद के लिए जो जरूर मैं उनकी मगफरत की दुआ करूंगा, अभी उनका जो 2-3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ साहिबान में, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हमारी बहुत सही दुआ और आप सबको जो है अल्लाह ताला सब जमील अता करे, उन तमाम लोगों जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनके लिए मगफरत की दुआ है और जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला दे और जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे. तो बस इसके साथ ही अपनी दुआओं में जरूर हमें याद रखिएगा और सबा आपके लिए जाते एक बार फिर कहूंगा कि अमानत आप तक है, आपने दुआ मांगनी है मदीना जरूर, वहां पर जाके जरूर दुआ मांगेगी और सलाम पेश करिएगा सरकारे दो आलम को और कहिएगा कि अपने दर के दरवाजे हम सब के लिए खुले रखें और हमें भी बुला लें और इंशाल्लाह ताला ठीक है. और नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे ये इल्तिजा होगी कि इल्तमास करूंगा कि आप जरूर आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा मुझे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे अच्छा प्रोग्राम करने की, कुछ अच्छे लोगों को लाने की. तो इजाजत दीजिए अजमल शोभी को एफएम मंडी पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, अल्लाह ने के बान, अस्सलाम वालेकुम एंड लव यू ऑल, लव यू.